करता हूं कि मेरे बुलावे पर आप सब यहां जमा हो। जब से मैंने नवाब का ओहदा संभाला है, मैं ये महसूस कर रहा हूं कि दरबार के कुछ लोग एक दूसरे के खिलाफ। मैं आप सबके सामने अपनी बात बड़े ही खुले तौर पर रखता हूं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि किले की हिफाजत और शाही कब्रिस्तान मिर्जा बाग की देखरेख हमारा पहला फर्ज है। इस मामले में हम किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर किला महफूज है तो हमारी रियासत महफूज है, और अगर हमारी रियासत महफूज है तो हम सब महफूज हैं। इसीलिए किले में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचे। हमारे बुजुर्गों ने जो कानून बनाए हैं वो हर किसी के हक में। और रही बात मिर्जाबाग की, तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि वहां हमारे पुरखों की कब्रें हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम सब तमाम गिले शिकवे को भूल कर हुकूमत की भलाई के काम में लग जाए। आलू जनाब, फौजी बंदोबस्त बिल्कुल दुरुस्त है, इस मामले में आप बेफिक्र रहे। जब भी किसी जिले से मांग आई, हमने फौजी मदद वक्त पर मुहैया किया। मैंने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन न जाने क्यों कुछ जिलों से मुझे बराबर शिकायतें आती रही। मुझे हैरत इस बात से होती रही है कि जिन्होंने शिकायत की उनकी शिकायत अपने लिए नहीं थी, बल्कि उन्हें एतराज था कि क्यों मैंने उनके जिले से ज्यादा दूसरे जिले में मदद पहुंचाई। आली जनाब, आप यकीन करें कि जरूरत के मुताबिक ही मैं तमाम जिलों में फौजी बंदोबस्त करवाता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये एतराजात कहाँ से आए? हुजूर आला, अभी मैं मामले की तहकीकात में लगा हुआ हूँ, वक्त आने पर मैं तमाम बातों का खुलासा कर दूंगा। नायब सिपहसालार अजीम बेग, क्या आपको भी किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? दुश्वारी का जहां तक ताल्लुक है तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि फौजी बंदोबस्त आला दर्जे के तभी रहते हैं जब दूसरे अहदेदारों की बातों को अहमियत दी जाए। बेशक, हमारी रियासत में हर किसी को उसके ओहदे के मुताबिक ही अहमियत दी जाती है। आप फौज के सिपह सलार हैं और मैं नायब हूं। नायब सिपह सलार होने की हैसियत से मैंने हुजूर से कई बार दरख्वास्त की है कि पड़ोसी रियासत के सौदागरों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है, वो अपने सर उठा रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जब्बार हुसैनी से पूछ सकते हैं। जहां तक मुझे खबर है कि वहां के सौदागरों के ताल्लुकात हमारी रियासत के सौदागरों के साथ बहुत अच्छे हैं, और कारोबार में दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं। लेकिन जनाब, ज्यादा मुनाफा तो वहां के सौदागरों का हो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? पिछले 5 वर्षों से सिर्फ हमारे यहाँ के सौदागर दूसरी रियासत के जरिए मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि हकीकत तो यह है कि खेती बाड़ी के मामले में पड़ोसी रियासत के मुकाबले हम पीछे होते चले जा रहे हैं। बे सिरो पैर की बातें ना करें आप। खेती बाड़ी का महकमा मैं देखता हूँ, इस मामले में आपकी राय अच्छी नहीं। जब्बार हुसैनी, ज्यादा होशियारी ना दिखाएं आप। मैंने हमेशा अपना काम किले के हुक्म के मुताबिक किया है, किसी के मामले में दखल अंदाजी करना हमारा मकसद कतई नहीं। लेकिन अभी अभी आपने इल्जाम लगाया कि खेतीबाड़ी के मैदान में हम नाकाम हो रहे हैं, किस बुनियाद पर आपने ये बात कही? पड़ोसी रियासत से नहरों के पानी का जो निकास था, आप हजरात ने उसे बंद करवा दिया, जिसका असर सीधे किसानों पर पड़ा। आपके हाथ में खेतीबाड़ी का महकमा है, लेकिन आपकी दिलचस्पी तो फौजी कामों में है। आपने किस बुनियाद पर नायब सूबे सलार से कहा कि आपके जिले में फौजी दस्ते को बढ़ा दिया जाए? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नायब सिपह सलार ने बगैर इजाजत के वहां फौजी दस्ते को बढ़ा भी दिया। पड़ोसी रियासत के हौसले को कुचलने के लिए यह जरूरी था। नायब सिपह सलार और जब्बार हुसैनी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? यही नहीं, आपकी दिलचस्पी किले के मामले में भी रहती है। किले के चारों तरफ जो सख्त पहरे लगाए गए हैं उसे भी कम करने की बात करते हैं आप, और कब्रिस्तान मिर्जाबाग पर जो खर्च हो रहा है आप तो उसके भी खिलाफ है। जब्बार हुसैनी, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने जिले को देखना है, दूसरी बातें आपके इख्तियार में नहीं। किले का कारोबार हमारी जिम्मेदारी है, और इस काम की मदद के लिए हमने फरहाद हुसैन को रखा है। रही बात मिर्जा बाग की, तो इस मामले में आप कोई जहमत ना करें। आपको अपने जिले में होना चाहिए था, लेकिन पिछले कई महीनों से आप यहाँ किले में। क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं? ये बात आप नवाबजादी महनिगार से पूछें। क्या? हाँ, उन्होंने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा। उनकी जिद थी कि जब तक वो किले में ठहरी हुई हैं, मैं भी यहाँ आकर रहूं। नवाबजादी महरनिगार ने ऐसा कहा है? जी हाँ, नवाबजादी महरनिगार, जिनसे आपका निकाह होना तय पाया।
उनकी ही इजाजत से मैं यहाँ हूँ और आपको यह भी बता दूं कि नवाबजादी महनिगार मिर्जाबाग कब्रिस्तान के फौजी पहरे और उसके देख रेख के मनसूबे से सहमत नहीं और मैं नवाबजादी महनिगार के साथ। मिर्जाबाग कब्रिस्तान हमारी रियासत का सबसे अहम हिस्सा है, अगर इसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो आंखें फोड़ दी जाएंगी। नवाब ताहिर अली बे, आप रेत की चटाई पर झाड़ियों की नक्काशी कर रहे हैं। मतलब अल्लाह के रुल तक फेउल इशारा, अकलमंद को इशारा ही काफी। अब मैं यहां से जाने की इजाजत चाहूं। मुझे जब्बार हुसैनी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हुजूर, अब मैं भी इजाजत चाहूंगा। हालात कुछ अजीब होते रहे, आप लोग जा सकते हैं। आप जरा कुछ देर रुके, मुझे आपसे कुछ बातें करनी। जनाब फरहाद हुसैन, किले के तमाम मामलात पे आप हमारे साथ, हमारे मरहूम वालिदे मोहतरम के जमाने से इस किले की खिदमत कर रहे हैं। आपकी ईमानदारी पर मुझे कोई शुभा नहीं, लेकिन ये जब्बार हुसैनी, इसके बात करने का तरीका और चेहरे के भाव कुछ और ही बयान कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो किले के निजाम को लेकर काफी फिक्रमंद रहते हैं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, वो फिक्रमंद क्यों रहते हैं? किले के मामले में उनसे दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं। और फरहाद हुसैन, आप तो नवाबजादी महल निगार को बचपन से जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जो बातें जब्बार हुसैनी ने कही क्या वो सच है? नवाब, मुझे पूरी बात मालूम नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि नवाबजादी महल निगार और जब्बार हुसैनी के आपसी ताल्लुक बहुत गहरे। किस हद तक ये मैं नहीं जानता हूँ। क्या कहा था उसने? मैं रेत की चटाई पर झाड़ियों की नक्काशी कर रहा हूं और साथ में यह भी कहा था कि अकलमंद को इशारा काफी है। जनाब फरहाद हुसैन, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। नवाब ताहिर, आप परेशान ना हो, मैं और इस रियासत के तमाम बड़े जागीरदार आपकी हिमायत में हैं। दरअसल जब्बार हुसैनी का किले में फिजूल खर्ची को लेकर बहुत फिक्रमंद है, खास तौर पर मिर्जाबाद कब्रिस्तान को लेकर हो रहे खर्च को वो बहुत खफा रहते हैं। इस कब्रिस्तान से जब्बार हुसैनी का क्या वास्ता है? हमारे पुरखों की कब्रें हैं वहां, हमारी विरासत है वो कब्रिस्तान, हम नवाबों की पूरी तारीख दफन है वहां। किसी भी कीमत पर हम किसी को भी वहां के मकबरे के साथ छेड़खानी करने नहीं देंगे। और मैं पिछले कई महीनों से देख रहा हूं कि वहां कोई माकूल इंतजाम भी नहीं है। नवाब, वहां एक रखवाला है कि बूढ़ा हो चुका है, वहां के सारे इंतजाम वही देखता है। हाँ, मैं जानता हूं और यह भी जानता हूं कि यहां का सारा इंतजाम अजनबियों के भरोसे चल रहा है। इस मकबरे की हिफाजत के लिए वो अकेला रखवाला काफी नहीं, पूरे मिर्जाबाग कब्रिस्तान और खास तौर पर उस पुराने मकबरे के लिए हिफाजती इंतजाम बढ़ाने की जरूरत है। मेरे ख्याल में हिफाजती इंतजाम की और जरूरत नहीं, ये कब्रिस्तान किले की दीवारों से घिरा हुआ और दीवारों के चारों तरफ किले का सख्त पहरा लगा हुआ होता है। ये सच है? तो फिर उस बूढ़े मुजाविर की भी क्या जरूरत है? माफ कीजिएगा, शायद आप बुरा मान गए। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि नवाबी खानदान की शान और आबरू के लिए वहां मुजाविर को होना जरूरी है। सिर्फ नवाबी शान नहीं, बल्कि वो मकबरा इज्जो जलाल की निशानी। हर हाल में वहां के इंतजाम दुरुस्त होने चाहिए। वो मुजाविर बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वहां दूसरे रखवाले का इंतजाम जरूरी है। नवाब, आप इस बूढ़े रखवाले को हटाने के बारे में ना सोचें। वो बूढ़ा बिल्कुल पागल है, किसी को भी मकबरे के पास जाने नहीं देता, किले के किसी भी अफसर की बात नहीं मानता, अपने ही तरीके से रहता है, बहुत ही नाफरमान है, मकबरे के आसपास चीखता चिल्लाता रहता है। उसका कहना है कि वहां रूहें भटकती हैं। मुझे शुभ ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वो दिमागी तौर पर दुरुस्त नहीं है। क्या कहा आपने, वहां रूहें भटकती हैं? लेकिन मुझे तो इस बारे में किसी ने बताया नहीं। पूरे यकीन के साथ तो मैं भी नहीं कह सकता कि सच क्या है, हो सकता है ये सब उसके घड़े हुए किस्से हों। मैं जब भी कब्रिस्तान में मायने के लिए गया तो मैंने उसे मकबरे के पास खड़े होकर चिल्लाते हुए देखा। उसकी इस हरकत पर मैंने उसे कई बार टोका भी, उसे यहां से निकाले जाने की धमकी भी दी। पूछताछ करने पर कोई जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है मुझे अपना काम करने दीजिए और वहां से हट जाता है। अगर सचमुच ऐसा है तो फिर वहां रूहों के भटकने की वजह क्या हो सकती है? ये समझना मुश्किल है, क्योंकि वहां आज तक कोई भी नजर नहीं आया और ना ही किसी ने किसी की आवाज सुनी है।
सिर्फ अकेला मुजाबिर ही वहां चीखता चिल्लाता हुआ नजर आता है। वहां दिन रात मुकम्मल सन्नाटा रहता है। एक बार जब्बार हुसैनी ने भी उसे धमकाया था कि वो इन हरकतों से बाज रहे, नहीं तो वो उसे सख्त सजाएं देंगे। अगर ऐसा है तो वहां जल्दी किसी और को तैनात करना पड़ेगा। आइए हम खुद चलकर वहां का मुआयना करें। क्या इतनी रात में? हाँ अभी और इसी वक्त। बूढ़ा रखवाला तैनात है, चले जाओ यहां से। बूढ़ा रखवाला तैनात है, चले जाओ यहां से। बूढ़ा कुत्ता दरवाजा खोल। अल्लाह नहीं तो मैं तेरे चल लूंगा। अरे चुप हो जा निगोड़े। लगता है आज बूढ़ा फुसड़ नहीं है। चलो शुक्र है अल्लाह का, ये दुनिया भी जिंदगी बड़ी मुहाल थी, लेकिन कब्र के अंदर की जिंदगी बड़ी आरामदेह है। जब जिंदा थे तो मुर्दा थे, अब रूह है हम मजार है हम। लेकिन यहाँ कुछ रूहें ऐसी भी है जो मौत के बाद भी बेचैन है, ना जाने उन्हें क्या गम लाहक हो गया है। जैसे बड़े नवाब की रूह, खुदा की बना इनकी रूह कई सदियों से भटक रही है। अपने मकबरे से निकलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और यहाँ के रखवाले बूढ़े फुसड़ मुजाविर को भर भर गालियां देते हैं। यहाँ से भागने की नाकाम कोशिश भी करते हैं। अब जन्नू में दुनिया से निजात मिल गई, मुल्क के दम में आ गए। अब यहाँ से भाग कर कहाँ जाओगे? अरे कहाँ जाओगे बूढ़े कुत्ता? अरे दास्तान को जरा आप बता सकेंगे ये नवाब साहब हमेशा चीखते क्यों रहते हैं? शायद इस मकबरे की कैद से आजाद होना चाहते हैं। आजाद? अरे अब क्या आजादी चाहते हैं? कैद में तो हम तब थे जब जिंदा थे, जब जिंदा थे तो मुर्दा थे, अब रूह है हम आजाद है हम। अरे मंचलो खामोश रहो। मैंने अपने बाप दादा से सुना है कि बड़े नवाब जब जिंदा थे तो बड़ी शान और शौकत की जिंदगी गुजारते थे, बहुत रुतबा रखते थे। हो सकता है इनकी बात की नवाबों की शान और शौकत में दाग लगते जा रहे हो, इनकी नस्लें अपना रुतबा खो रही हो और बड़े नवाब इस बात को महसूस कर रहे हो, इसलिए वो यहाँ से निकलना चाहते हो। अब छोड़ो इन बातों को। अरे हमें क्या पड़ी नवाबों के बारे में सोचने की? हम तो मामूली से दास्तान गो थे, किससे कहानियों को बांटने में गैर मामूली सलाहियत रखते थे। अम्मा ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते थे हम कि सुनने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। वो अपनी जिंदगी के तमाम गमों को भूलकर परियों के रुमानी देश में गुम हो जाते थे। बहादुरों के किस्से, नवाबों की आश्की, बादशाहों के जाओ जलाल, शहजादियों का हुस्न, नदियां पहाड़ कोकाब शाहीन हुमा देव परिया मेवे फल शराब शैतान वली जादूगर। अरे क्या क्या नहीं होता था दास्तान की दुनिया में। वाह वाह क्या लुत्फ क्या मजे। जी चाहता है फिर से जिंदा हो जाऊं। क्या चलो जी छेड़ी तो कोई दास्तान। हाँ जरूर हो जाए हो जाए। चलो मियां ठीक है, अभी जो किस्सा याद है उसी को सुना दो। इरशाद इरशाद। हाँ तो सरजमीन यमन में एक बादशाह था, मुल्क उसका मालामाल दौलत पे हिसाब, ताजो तख्त को छोड़ देने वाला बहुत ही अच्छा इंसान था, नेक सीरत, फरकुंदा बख्त यानी खुश इकबाल और खुश नसीब, सारे जहां में खुदा दोस्त के नाम से मशहूर था। एक रोज कोई फकीर आया और सवाल किया कि अगर तू खुदा दोस्त है तो लल्ला 3 दिन को मुझे हुकूमत करने दे। बादशाह ने कहा बिस्मिल्लाह, जा तुझे मैंने 3 दिन के लिए बादशाह बना दिया। ये कहकर बादशाह ने अपने वजीरों से कहा जितने वजीर और जागीरदार हैं सब इस फकीर को बादशाह मानेंगे वरना उनका कत्ल कर दिया जाएगा। ये कहकर बादशाह तख्त से उठा और फकीर तक पर आ बैठा और हुकूमत करने लगा। कमीने हरामजादे फोड़ खोल। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, चले जाओ यहां से। बूढ़े कुत्ते दरवाजा खोल वरना मैं तेरे चल।
हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। आए जालिम इतनी जोर जोर से लाठी क्यों पीट रहा है? चले जाओ यहां से। हाय हम कैसे डरती हैं। कमबख्त ने दास्तान का सारा मजा खराब कर दिया। अच्छा मियां, आप नवाबों की खास महफिल में किस तरह के किस्से कहानियां सुनाते थे? मियां नवाबों की खास महफिलों में कुछ अलग ही चीज सुनाया करते थे। खास महफिलों में ना किस्से सुनाते थे ना दास्तान, वहां कुछ और ही मंजर पेश किया करते थे हम। क्या क्या बोलो बोलो। लज़्ज़त-उन-निसा। हां लज़्ज़त-उन-निसा सुनाया करते थे। अपने मुंह से नवाबों के हवाम खाने की पूरी जीती जाती तस्वीर पेश किया करते थे। हजरत हमें भी कुछ तस्वीरों के दर्शन करवा दीजिए ना। हाय अल्लाह दीजिए ना। अरे ना तौबा, क्या मजाक है। वल्ला नवाबों की दुनियावी शौक इस कब्रगाह में ना लाओ, बिल्कुल नहीं। अब ज्यादा नखरे ना करो, चलो सुना भी दो। लज़्ज़त-उन-निसा। हाय ज़ालिम। अच्छा शोर मत मचाओ, खामोशी से सुनो वरना वो नामुराद मुजाविर आ जाएगा। तो अर्ज किया है इरशाद किया मुझे इश्क़ने ज़ालिम को आप आहिस्ता आहिस्ता। अरे इरशाद किया मुझे इश्क़ने ज़ालिम को आप आहिस्ता आतिशे गुल को करती है गुलाब आहिस्ता। चांदनी रात है, साहिब आनो अपनी शाही हमाम में रंगीन महफिल सजाए हुए हैं। हमाम खाने के चारों तरफ हसीनाएं झूम रही हैं। किसी के हाथ में मोर पंखी है, किसी के हाथ में शराब पीस रहा है, तो किसी के हाथ में जावे शराब। एक हसीना जो कामदेव की अप्सरा है बड़ी अदा से साहिब आलम को देख रही है। साहिब आलम के बाजू में बैठी हुई एक हसीन दोसीजा ने मोर पंखी से साहिब आलम की छाती को सहलाया। उनके रसीले होठों पर गर्म बोसे देते हुए उनकी छाती से लिपट गई। और वो परिनाज, वो कामदेव की अप्सरा जो साहिब आलम को नाज़ुक-ओ-दास से देख रही थी, जिसका जिस्म दूध सा सफेद और बाल से अधेरे चंदन के खुशबू वाले पानी के होश से बाहर निकली। बदन पर सिर्फ एक हल्की सी रेशमी चादर थी जो उसकी छाती और रानों से चिपकी हुई थी। उसके भीगे बाल और बदन से पानी झर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दयाशंकर नसीम के शेर के मारे पूरी फजा में बिखर गए हो। वो भीगा बदन और बाल उस पर तर लगे जैसे सावन की शाम हो सहर। हाय जालिम जालिम काफिर काफिर। काबू रख, आगे सुन, आगे आगे की राह जा रही। जीता था अभी जिंदा हो जाओ। अब वो परिनाज, वो अप्सरा, वो हूर अपने पाँव के बच्चों की छन छन आवाज सुनाते हुए साहिब आलम की तरफ बढ़ रही। पानी के बूंदे फर्श को भिगा रहे। साहिब आलम अपनी छाती से लिपटी दोसीजा को अलग कर रहे। हमाम खाने के बाहर साजिंदे साज बजा रहे जिसकी आवाज सन्नाटे को खूबसूरती में बदल रही। अब वो परिनाज साहिब आलम के ऐन करीब आकर खड़ी हो और उसकी आंख और साहिब आलम की आंख खामोश लफ्जों में बातें कर रही। अजब कुछ लुत्फ रखता है शबे खिलवत में गुलगुसो, खिताब आहिस्ता आहिस्ता जवाब फिर एक अदा से उस अप्सरा ने रेशमी चादर को पैरों के ऊपर की तरफ खींचा और एकदम से अपनी टांग उठाकर साहिब आलम की छाती पर रख दी। साहिब आलम ने दोनों हाथों से उसके तलवे को पकड़ लिया, पैर की उंगलियों के बच्चों से खेलने लगे, बोरसा देने लगे। फिर धीरे धीरे साहिब आलम उसके पैर को चूमते हुए आगे बढ़े। हरामजादे कमबख्त फाटक खोल। अरे ये बड़े नवाब, जब देखो फाटक खोल सो जाइए बड़े नवाब। कपिल के औलाद अरे ये बड़े नवाब ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। इसी वक्त आपको चीखना था। अरे किबला आप जारी रखिए। कपिल के
शोर मचा रखा है। ये मुजाबिर आपको बाहर जाने नहीं देगा। मेरे तलवे चाटने वाला अपना सा गुलाम आज मेरी ही कब्र पर लाठी पीट रहा है। इस हरामजादे की ये जुर्रत, और मैं इतना बेबस कि इसका कुछ कर भी नहीं सकता। अपनी जिंदगी में कभी भी मैं इतना मजबूर नहीं था, लेकिन मौत के बाद ये लाचारी मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हराम खोर की औलाद, फाटक खोल। शोर मचाने से क्या हासिल? क्या आप नहीं जानते कि अब आप बापुर नवाब हैं और ना ही कोई जागीर है आपकी। मामूली सी रूह है जो दो गज जमीन के अंदर अजाब झेल रही है। खामोश, अपनी औकात भूल गई। मेरे हरम में तेरी हैसियत ही क्या थी? जानती हूँ, आपके हरम में मेरी हैसियत एक कनीज की थी, लेकिन आपने मुझ पे एक बड़ा एहसान भी किया था। आपने मुझे अपनी दूसरी रखेलों की तरह नहीं रखा, बल्कि मुझसे निकाह करके अपनी बेगमों में सबसे ऊंचा दर्जा दे रखा था। जानती हूँ एहसान फरामोश, लेकिन ये ना बोले, इन अदालत के पीछे मेरे अब्बा हुजूर ने मेरे नाम पे छोड़ी हुई जागीर थी। दूर हटो, ए बूढ़े रखवाले, कहाँ है तू? चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। अरे बूढ़े, तू भी हमारी महफिल में भी आ जा, दिल दहल जाएगा रे। ये बूढ़ा हमारी महफिल में क्या आएगा? चल हम अपनी महफिल खुद ही जमाते हैं। न छेड़ो सैया बारी मर लड़कियां, न छेड़ो सैया शतरंज खेलना, मुर्गियां लड़ाना और हवेली के छत पर पतंग की बाजी करना, और वो तुम्हारी गुलबदन का अपने कोठे पर टहलना। मैं उनके इंतजार में हवेली के छत किनारे खड़ा रहता था। वो मुझे देखती और शर्माती, फिर अपने कबूतरों को दाना डालने लगती और आप अपने कबूतरों को उनकी तरफ उड़ाते जाते। उनके हाल से यारा कोई आगाह न हो पाव, इस राह में रख कर कोई गुमराह न हो। न छेड़ो सैया बारी उमर लड़ हवेली के छत पर, कभी मुजरे का माहौल तो कभी मुशायरों की महफिलें सजाना, कभी जान से जान टकराना। हाय क्या लुफ्त, क्या मजे थे। हाय के हुस्न से रुसवा सरे बाजार ना हो, हुस्न यूं शोख नजर आए तो कोई राह ना। मानो जी मानो मुरे सैया, न छेड़ो सैया बारी उमर लड़कियां। सिर्फ यही नहीं, दूसरी जिंदगी भी थी हमारी। आलिमों की गुफ्तगू सुनना, साधुओं के आश्रम में जाना, आश्रम में मुझे बहुत सुकून मिलता। मैं उन साधुओं के दर्शनों को समझने की कोशिश करता। के हाल से यारा कोई आगाह न हो, पाव इस राह में रख कर कोई गुमराह न हो। मानो जी मानो मुरे सैया, न छेड़ो सैया बारी उमर लड़कियां।
सियासी उथल पुथल से मेरा दिल बहुत घबराता था। मैं बेचैन रहता, मैं सुकून की तलाश में जितना भटकता उतने ही मेरे कदम साधुओं के आश्रम में चले जाते और वहाँ कुछ पल के लिए सुकून मुयस्सर होता। जानते हो मेरी जिंदगी का आखिरी तकलीफ दह पल कौन सा था? कौन सा? वही पल जब मेरा कत्ल हुआ था। धड़ से सर अलग, एक छटपटाहट, दर्द, तकलीफ, चीख, छटपटाती हुई खामोश चीखे, खून के फवारे, गर्म खून, बहते हुए खून, ठंडे होते हुए, सर अलग, धड़ अलग, तमाम तकलीफों और जायदाद के झमेलों से दूर निकलते हुए सफर खत्म हुआ और आज मिर्जाबाग कब्रिस्तान में सुकून के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। अम्मा ज्यादा शेकी ना बगान, काहे की तकलीफ और काहे का गम? पूरी जिंदगी तुम शायरी करते रहे, नाच गाने की महफिलें सजाते रहे, मुशायरे का एहतमाम करते रहे, फिर भी खुद को बेचैन कहते हो। तकलीफ इस बात की कि मुझे जागीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे अब्बा हुजूर मुझे ही नवाब बनाने में लगे हुए थे और मेरा चचा जालिम मक्कार अपने बेटे को नवाब बनाने के लिए उसने साजिश कर मुझे कत्ल करवा दिया। मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं मजहब बदल रहा हूँ और किले की जायदाद को मुशायरों की महफिलों में बर्बाद कर रहा हूँ। मेरे ही नौकर के जरिए मेरा कत्ल करवा दिया, नौकर ने लालच में मेरा कत्ल कर दिया और बदले में उसे क्या मिली? सजाए मौत मिली, ये कहकर कि यही नवाबजादे का कातिल है। कातिल वो कहाँ था? उस बेचारे ने तो सिर्फ हथियार चलाया था। लेकिन अभी जो नवाब है वो तो नेक इंसान है, वो खुद कभी नवाब बनना नहीं चाहते थे, मामूली सी जिंदगी गुजारना चाहते थे बस। ऐसी मामूली सी जिंदगी? वो जिंदगी जहाँ हर तरह का आराम खुद ब खुद मिल जाए, नौकर गुलाम हर वक्त हाथ बांधे खड़े रहे, जिंदगी में किसी चीज के लिए कोई मेहनत नहीं, यही सब बातें मेरी रूह को बेचैन किए रहती है। इस कब्र में दुनियावी तकलीफों से निजात तो है, लेकिन रूह हर वक्त बेचैन रहती है कि इस नवाब का गिरेबान पकड़ कर इससे दरियाफ्त करूं कि बोल तेरी जिंदगी कैसी कट रही है। मैं इस कब्रिस्तान से सिर्फ एक बार निकलना चाहता हूं, लेकिन ये बूढ़ा मुसाफिर मुझे जाने नहीं देता। अरे मुसाफिर फाटक खोल। वो फाटक नहीं खोलेगा, आओ आओ हम सब फाटक को तोड़ डालें। ओ शोर मचा रखा है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। जाओ चल जाओ यहां से। ए मुसाफिर मुझे जाने दे, बस एक बार के लिए। आदाब हुजूर आला, आप यहाँ वो भी इतनी रात गए? हम इस कब्रिस्तान का मुआयना करने आए हैं। नवाब आप देख रहे हैं ये कितना कमजोर है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन अब भी ताकत है मुझमें। मैं पूरे कब्रिस्तान और मकबरे की अच्छी तरह हिफाजत करता हूँ। यहाँ आपका सारा बंदोबस्त ठीक है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम्हारी उम्र हो चुकी है और सेहत भी जवाब दे रही है, ऐसे में तुमसे काम लेना गुनाह है। यहाँ जल्दी किसी नौजवान मुजाहिर को तैनात कर दिया जाएगा। तुम फिक्र ना करो, जिंदगी भर खर्चे के लिए तुम्हें मुनासिब पैसे मिलेंगे। हुजूर आला मुझे काम से ना निकाल, मुझे पैसे की परवाह नहीं। मैंने हमेशा ईमानदारी से यहाँ की रखवाली की है, मैंने किसी को भी यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया। कौन जाना चाहता है? वही जो यहाँ दफन है। क्या ये आदमी एक हफ्ते दीवाना है? मैं आपसे कह रहा था कि ये बुढ़ापे की वजह से सटिया गया, रात भर मकबरे के चारों तरफ दौड़ता भागता और चीखता चिल्लाता रहता। बूढ़े घुसट तुझे क्या इतना भी होश नहीं कि तू यहाँ के नवाब नवाब साहिर अली बेग के सामने खड़ा फिर भी अपनी बेस सिरों पैर की बातें कर रहा है? हुजूर के हुक्म से तुझे यहाँ से निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि तुझे इस काम को छोड़कर आराम की जिंदगी पसंद करने को कहा जा रहा है। हुजूर आला आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप ऐसा ना करें, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी तबीयत भी खराब है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बूढ़े खुसर, हमें इसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए। मैं कमजोर नहीं, यहाँ झगड़ों के सिलसिले है। कैसे झगड़े? क्या कह रहे? हफ्ते दीवाना है। साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। ये यहाँ इस वक्त कौन आया हो? कहीं फौजी पहरेदार तो नहीं? बेहतर होगा कि आप कब्रिस्तान के बाहर एक चक्कर लगाएं। हाँ तुम क्या कह रहे थे, कौन झगड़े करता है यहाँ पर? वही जो यहाँ कब्र में सोए हुए हैं, हर रात वही सिलसिले, हर रात एक चीज, ऐसा लगता है जैसे कयामत आने को है।
जरूर तुम कोई ख्वाब देखते हो। हुजूर आला, मैं सोता कहां, ना दिन में ना रात को, दिन भर मैं कब्रिस्तान के फाटक पर कड़ी धूप में सर झुकाए बैठा रहता हूं। मुकम्मल खामोशी, गहरा सन्नाटा छाया रहता है, ना किसी जानवर का गुजर, ना ही कोई आदमजात यहां आता। हाँ, कभी कभी फौजी पहरेदार यहां से जरूर गुजरते, घोड़े पर तवार सल तलवार को म्यान में खोसे और हाथ में लगाम थामे, दिन भर यही माहौल रहता है यहाँ। लेकिन रात होते ही एक हलचल सी मचनी शुरू हो जाती है। हलचल? हाँ हलचल, कभी कभी तूफान। उन मकबरों के चारों तरफ से रूहें बाहर निकलती, मुझे उनकी हिफाजत के लिए तैनात हो जाना पड़ता है। क्या तुम उन्हें देख सकते हो? क्या तुम्हारी बातें होती हैं उनसे? कौन है वो सब? शाम को जब मैं फाटक से उठकर मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाता हूँ, खाने के बाद ईशा की नमाज पढ़ता, फिर जब मैं सोने के लिए अपना बिस्तर बिछाता हूँ, ठीक उसी वक्त हलचल शुरू हो जाती है। कब्रिस्तान के चारों तरफ उनकी बातचीत की आवाज सुनाई देने लगती है, मैं चौकस हो जाता हूँ। अचानक सबके चीखने की आवाज आती है, फिर बेतहाशा सबके भागने की आवाज आती है, जैसे घोड़े सर पर दौड़ रहे। मैं भागता हूँ, भाग कर मकबरे के पास पहुंच जाता हूँ और चले जाओ यहां से। तुम्हारी बातों से मुझ पर खौफ जारी हो रहा है? मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं हिम्मत से आगे बढ़ता। फिर वो रूहे एक के बाद एक बार निकलती है, आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ पड़ती है, मुझसे बात ही करती, कुछ रूहे आपस में बात करती हुई नजर आती। लेकिन बड़े नवाब की रूह मुझे देखते ही आपे से बाहर हो जाती है। ये कोई बड़े नवाब है? बड़े नवाब? कौन से बड़े नवाब? कहीं वो मिर्जा बेग? मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे अपना नाम कभी नहीं बताया। पिछले कई वर्षों से मेरे साथ यही होता आ रहा, ये रूह मेरे साथ भी वही करती ही जो मेरे पुरखों के साथ कर रही है। कहते हैं कि कई सदियों से यहाँ रूहें भटक रही हैं। लेकिन मकबरा तो मिर्जा बेग का है, और उनकी मौत को ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा। ठीक ठीक नहीं बता सकता, यहाँ बहुत सारे खानदानी लोगों की रूहें घूमती रहती है, इन सब के अलावा एक ख्वाजा सिरा की रूह भी घूमती है, जिसे आपके पुरखों में से किसी एक ने अपनी वासना का शिकार बना रखा था। ये सब आपस में बातें करती रहती है। किस तरह की बातें? उनकी बातों का सिलसिला मुझे समझ में नहीं आता। एक नवाबजादी की रूह भी है, वो आपस में बातें करती रहती, वो आपसे मिलना चाहती, किसी ने उसे जहर देकर मार दिया था, वो नवाबजादी महल का है। ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना, हमारे खानदान में महल का नाम की नवाबजादी कोई नहीं है। एक नवाबजादा भी है जो कहता है कि आपके वालिद ने उसका कत्ल करवा कर आपको नवाब बना दिया। क्या? किसने किसका कत्ल करवा दिया? जब से मैं नवाब बना हूं, मुझे नहीं मालूम किसी भी वारिस का कोई कत्ल हुआ हो तो। मेरे अब्बा हुजूर की मौत पिछले साल हुई, उनकी मौत के बाद मैं नवाब बना। मुजाविर, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो सब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। नवाब आपके हाथ से चले जाइए, मैं इनसे मुकाबला कर लूंगा। लेकिन यहां तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना किसी की आवाज सुनाई दे रही है। वो सब आ रहे हैं, आप यहां से चले जाइए, कहीं आपकी जान खतरे में ना पड़ जाए। नमक हराम, बूढ़े कुत्ते, दरवाजा खोल। हाल मिला तो बस। हाय अल्लाह, मेरा तीन नौजवान कौन है कुर्बान जाऊं? इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूं, ये मुजाविर का रिश्तेदार है क्या? हट मत, तुझे इस बूढ़े कुत्ते का रिश्तेदार है? दूर हटो यहां से। डंडा क्या दिखाते हो, हम इससे डरती हैं क्या? हम तो यहाँ सैर पे निकली हैं। ये हसीन नौजवान कौन है, जरा इसे देख तो लूं। मुसाफिर, मुसाफिर वो आ गए, मेरे लिए आए हैं। मैं जानती हूँ इन्हें मेरी मोहब्बत यहाँ ले आए हैं। मेरे आका, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे इनसे बात करने दे। ये तो कोई नवाब जैसा लग रहा है। आप आ गए, मैं जानती थी आप आएंगे। आप जानते हैं ना मुझे किसने मारा, मुझे जहर देकर मारा गया है, कत्ल किया गया है। ये कौन आदमी है? इसकी शक्ल बहुत पहचानी सी लग रही है। ये नवाबजादी मुजाविर से क्या बातें कर रही है? मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे उनके पास जाने दें। मैंने कभी इस कब्रिस्तान में कोई हंगामा नहीं किया, कम से कम इसके लिए तो मुझे उनके पास जाने दें। नवाब, नवाब इस मुजाविर से कह दीजिए मुझे आपके पास। नवाब! क्या ये नवाब? कितने अरसे के बाद हम मिले, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हर रात, हर दिन, हर पल, हर पहर सिर्फ आपके ख्यालों में थी। ठीक वैसे ही
जब मैं जिंदा थी। पीछे जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तुम किससे बातें कर रहे हो मुजाबिर? या ना तो मैं किसी को देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरी मकरू आवाज़ें भी सुन पा रहा हूँ। बच जा। क्या क्या आप मुझे नहीं देख पा रहे? मेरी आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही? नवाब आप कैसे चले जाएंगे? ये सब बदू है, ये और भी शोर मचाएंगी, मैं इन्हें काबू करूंगा। आप मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। अगर बड़े लोग यहाँ आ गई तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। बच्चा, तेरे बाप ने ही मेरा कत्ल करवाया था। बूढ़े कुसत, दरवाजा खोल। ये मैं हूँ नवाब, नवाब जादी महल का, जिसके बदन की बू, सांसों की गर्मी, बालों की महक, याद कीजिए हमारी शामें कितनी हसीन हुआ करती थी। खूबसूरत सुबह और दिन के उजाले चारों तरफ बिखरे होते थे। आप और मैं और आप दोनों आपस में मुदगम। भूल नहीं सकता मैं, कुछ नहीं भूला हूँ। तेरी रगों में भी वही खून दौड़ता है, नपाक खून। चले जाओ यहाँ से, जाओ। अरे तो नवाब है। अरे नवाब साहब, आदाब अर्ज है। अरे बीबी देख, ये कोई नवाब है? हाँ, मैं देख रही हूँ, जरूर इसी का बाप होगा। उस जालिम नवाब जिसने मुझे नामर्द बना दिया था अपनी वासना को बुझाने के लिए। वो दिन भुलाए नहीं जाते। मुश्किल से 10 बरस का था और उसने मेरी खुशियां उधड़वा दी थी। वो तकलीफ, वो दर्द आज भी मेरे साथ साथ है। हमाम खाने में मुझे हाजिर रहना पड़ता था, हरम की दूसरी कनीजों के साथ मैं भी उसके जिस्म को हाथ लगाता। उसके बदन का ऐसा कोई हिस्सा ना था जो मेरी जुबान, मेरी होठों, मेरी लार से खाली रहता हो। समझ सकता हूं मैं तेरे दर्द को। रात और भी खौफनाक होती थी। हर महीने की 14वीं को वो परी खाने में अय्याशी की महफिलें सजाता था। हरम की तमाम कनीज़ें इसके चारों तरफ फैली रहती थी। कुछ साज बजाती हुई, कुछ गीत गुनगुनाती, कुछ नवाब के बदन को गर्मी पहुंचाती हुई, और सब की सब बहना बिल्कुल नंगे। मेरे अलावा कुछ दूसरी ख्वाजा सिराए भी होती, उसकी कुछ खास नाचने वाली मुझे छेड़ती, मेरे बदन में ठिठोलियां कर मुझे भी नंगा करती। नवाब ये देखकर खुश होता, उस पर हैवानियत तारी होने लगती, हवस की आग भड़कने लगती। जब महफिल अपने शबाब पर पहुंच जाती तो खेल शुरू होता। एक के बाद एक तमाम नंगी औरतें नवाब के बदन से चिपट और मेरे बदन पर अंगूर की शराब डालने लगती। नवाब कुत्ते की तरह मेरे जिस्म से शराब को पीता। तमाम औरतें कहका लगाती, मेरी गर्दन, मेरे बाजू, मेरे होठ, मेरी छाती, मेरी जांघें, मेरी पीठ, मेरी पसली। गोया कि मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा ना था जाना वहां मुझे काटते हुए चुटकियां ना भरता हो। पूरा जिस्म दर्द से भर जाता, बदन कप कप आने लगता। मैं न रोती, न आहे भरती,
की अपने दर्द और आंसू को मुस्कुराहट में बदल कर नवाब की दिल जो ही करे, क्योंकि उसी से उसकी हवस ठंडी होती थी, सिर्फ उसी रात के लिए, सिर्फ उसी रात के लिए। सुबह मैं बदहवास अपनी कोठरी में भिजवा दिया, कोई देखने वाला ना होता सिवाय इमाम साहब के, इमाम मौला बख्श, उन्हीं का सहारा, वही मेरे दर्द को समझते थे। मेरे बदन में उठे फफोले और गहरी खराशों पर दवा लगाते और नवाब को बरबर बद्दुआएं देते। मैं कराती रहती और वो कमजात नवाब परी खाने में मदहोश पड़ा रहता, कमीना बज़ात। सब्र कर, हम बेबस रूहे हैं, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। ये वो नवाब नहीं है जिसने तुझ पर जुल्म ढाया। लेकिन है तो नवाब जाती ना, किसी ना किसी नवाब का बदखून ही दौड़ रहा है इसकी रगों में। सब्र कर, अल्लाह इसका बदला जरूर लेगा। सब्र कर। मुजाबिर, यहाँ क्या चल रहा है? तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? क्या तुम यहाँ की तमाम रूहों को देख पाते हो? क्या इनसे बातें कर पाते हो तुम? हुजूर आला, हर रात यहाँ रूहें भटकती हैं, लेकिन आज आपको देखकर कुछ अलग सा बर्ताव कर रही हूँ। आप यहाँ से चले जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे बदसूरत, दरवाजा खोल, कानदानी लोग बाहर जाना चाहते हैं। कमीने हरामजादे, मैं तुझे बाहर डालूंगा। मैं भी बहुत तड़पा था, चारों तरफ खून ही खून। अब तेरी बारी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। फूल खुशबू सितारे जुगनू, चांदनी रात मैं और आप लेशमी, याद कीजिए नवाब, वो बेली की महक, रात की रानी और रानी इत्र की खुशबू। खून की महक आज भी मेरे अंदर बसी हुई है, गर्म गर्म बहता हुआ खून, थर थराता हुआ मेरा जिस्म फर्श पर। पूरी फिजा मुअत्तर मेरे और आपकी बदन की बू से है ना नवाब, सुबह की लाली उसकी बूंदे मेरी गर्म सांसे और आपकी बारिश। सर अलग था और धर अलग, मेरे दोनों बाजू थर थरा रहे थे, मदद मांग रहे थे, आज तू मदद मांग। आज की रात है मिलन की रात। दूर हटो बदुहा, दूर हटो। पहले अपनी औकात भूल रहा है, हम खानदानी लोग बाहर जाना चाहते हैं, दरवाजा खोल। बदुहा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकता, यहाँ पूरा रखवाला तैनात है। बड़े नवाब, ये क्या पागलपन है? तेरी ये मजाल, हाय इसे दौरा पड़ा है क्या? हाँ, इसे मिर्की का दौरा पड़ा है, इसे जूते सुना दो। हाँ। तुम सब जाओ यहाँ से। आज तेरी खैर है। मुजाबिर, मुझे बस एक बार जाने दे, वो बस मेरे लिए आए हैं। बूढ़ा कुत्ता, फोन रखो। मुजाबिर, क्या हुआ तुम्हें? संभालो खुद को। देखा आपने, यही होता है हर रोज, मैं कितनी हिम्मत से इनका मुकाबला करता हूँ, इनकी रखवाली करता हूँ, किसी को भी यहां से बाहर जाने नहीं देता हूं। लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। बस एक बार ऐसा लगा जैसे कोई लड़की मुझसे लिपट गई हो, किसी ने मेरा गला दबा दिया हो, लेकिन मैंने किसी को देखा नहीं। सच कुछ याद हुए भक्ति, खुद को संभालो मुजाविर, तुम्हारी सेहत खराब होती जा रही है। अरे कोई है यहां? आप फिक्र ना करें हुजूर, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे आदत हो चुकी है इन सब की, ये रोज के सिलसिले हैं। ये रूहें यहाँ क्यों भटकती हैं? मुझे इनका राज मालूम नहीं। तुमने कहा था कि यहाँ बड़े नवाब की रूह भी भटकती हैं, क्या वो अभी यहाँ आई थी? नहीं, सिर्फ उनकी आवाज आती है। आप यहाँ से चले जाइए हुजूर।
मैं इस कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे का मुआयना करना चाहता हूँ। यहाँ के भेद को मैं जानना चाहता हूँ। तुमने कहा था यहाँ से रूहें बाहर निकलना चाहती हैं, क्यों बताओ मुझे? हुजूर आला, तमाम रूहें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, सिर्फ बड़े नवाब की रूह है जो यहाँ से भागना चाहती है। मैंने अपने बाप दादा से सुना है कि उनकी रूह बरसों से यहाँ से निकलने की फिराक में है, किले में घुसना चाहती है। किले में? हाँ, मैंने यही सुना है अपने बाप दादा से, लेकिन मेरे सामने उनकी रूह ने कभी नहीं बताया कि वो कहाँ जाना चाहती है और क्यों। हाँ, मेरे बाप दादा कहा करते थे कि नवाब की रूह किले के निज़ाम को अपने ढंग से चलाना चाहती है। अरे ढंग से किले का निज़ाम क्यों? हमें मानता हूँ कुछ दहाइयों से किले में अब तरीक आलम रहा है, अफरा तफरी फैल गई थी, उथल पुथल का माहौल भी पैदा हो गया, लेकिन जब से मैंने कमान संभाली है मैंने मामला को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। अरे जमहूरियत की बुनियाद डालने की कोशिश की है। किले के अहदेदारों को मैंने आज़ादी राय का पूरा मौका दिया। किले का निजाम जमहूरियत से नहीं, शाही फरमान से चलता है लड़के। नहीं, लोगों की सोच को आजाद रखने की जरूरत है। ताकत के बल पर हम कमजोर को अपना हिमायती बनाया जा सकता है, लेकिन दिमागी तौर पर हम किसी को गुलाम नहीं बना सकते। ए लड़के, सुन मेरी बात। किले से जो हवाएं चलती हैं उनका रुख हुक्मरान तय करता है, और लोगों की सोच उसी धारे के मुताबिक काम करने लगती है। यहां सवाल किसी को गुलाम बनाने या किसी की आजादी का नहीं है, बल्कि शाही इज्जत जलाल और वकार को कायम रखने का है। किले के वकार और शान शौकत में हमने कभी कोई कमी नहीं रखी बड़े नवाब। हुक्मरानों की जिंदगी के कारनामे इतिहास में कैद होते हैं। शाही दस्तरखान पर सजे हलवे और मुर्ग मुसल्लम से इतिहास को कोई सरोकार नहीं होता। तारीख सिर्फ फुतुहात गिनती है। हमने कितनी जंगें लड़ी, कितने मुल्कों पर कब्जा किया, कितनी कौमें हमारी गुलाम रही, यही बातें तारीख की सुर्खियां। बाकी तमाम चीजें दिल के बहलावे के लिए होती हैं। बड़े नवाब, जानता हूं मैं इन सब बातों को, लेकिन जिंदगी के उन मामलात हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं जिन पर जुल्म और बर्बरियत का असर पड़ा। अरे जंग में मारे गए मासूमों की जिंदगियों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। साफ समझ में आ रहा कि आज किले के अंदर जो ये बेचैनी फैली हुई है उसकी वजह तुम्हारी इसी तरह की सोच है। मुल्क गिरी के लिए हुकूमत करना और जज्बाती होकर हुकूमत करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। जानता हूं मैं, दोनों फर्क को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन मैं अपने वजूद की तलाश में भटकता रहता हूं। जब कभी मैं आराम कुर्सी पर अपनी आंखें बंद किए सर पीछे की तरफ झुकाए और चेहरा ऊपर की तरफ उठाए बैठता हूं तो मुझे बड़े अजीब अजीब ख्वाब आने लगते हैं। ख्वाब बिखरे हुए होते हैं, उस ख्वाब के मायने मेरी समझ से बाहर होते हैं। मैं देखता हूं जैसे मैं एक खोए हुए गांव में पहुंच गया, फिर देखता हूं कि मैं एक जहाज के अरसे पर खड़ा हूं बिल्कुल अकेला। जहाज एक रेगिस्तान में, चारों तरफ रेत ही रेत। जहाज रेत में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, खुद को धस जाने से बचाते हैं। ना कोई दरिया है ना कोई समंदर। मैं अरसे पर दौड़ता हूं, जहाज के एक सिरे से दूसरे सिरे पर आ जाता हूं। वहां से मैं नीचे की तरफ झांकने लगता हूं तो नीचे दूर तक मुझे कोई रेत नजर नहीं आती जिस पर जहाज चल रहा था। नीचे, बहुत नीचे जहां तक नजर जाती है कुछ भी नहीं। मैं घबरा कर ऊपर की तरफ देखता हूं, ऊपर भी कुछ नजर नहीं आता। ना आसमान है ना बादल, ना सूरज ना चांद तारे, कुछ नहीं। और जहाज के बादबान हवाओं के थपेड़े खा रहे हैं। हवाएं तेज चली जा रही हैं, उन तेज हवाओं के थपेड़ों से बादबान इधर उधर डोल रहा, लेकिन जहाज बिल्कुल ठहरा हुआ है, एक ही जगह पर टिका हुआ है। फिर मैं किसी के चीखने की आवाज सुनता हूं। जब घूम कर देखता हूं तो खुद को उसी गांव में पाता हूं। वही खोया हुआ गांव, चारों तरफ लोगों की भीड़, हर उम्र के लोग हैं, औरत मर्द बच्चे बूढ़े सब मेरी तरफ ताक रहे हैं। ये भीड़ क्या चाहती है? तमाम लोग मेरी तरफ क्यों ताक रहे हैं?
जैसे ही मैं सोचता हूँ और भीड़ की तरफ बढ़ना चाहता हूँ तो मेरे पांव जैसे जमीन में किसी ने जकड़ दिए। मैं अपने पैरों की तरफ देखता हूँ तो मेरे पैर दलदल में धंसते हुए नजर आते हैं। मैं जल्दी से एक पेड़ की डाल को मजबूती से पकड़ लेता हूँ और अपने जिस्म को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ खींचता हूँ। फिर देखता हूँ तो वही यहाँ जहाँ मैं खड़ा था वहां कुछ लोग नजर आ रहे हैं। शाही पोशाक, उनकी शक्लें अजीब सी। कौन है वो लोग, वहां क्यों खड़े हैं? मैं पलट कर भीड़ की तरफ देखता हूँ तो भीड़ वहां से गायब है। वो गांव भी नजर नहीं आता। नजर आता है सामने वो जहाज, चारों तरफ रेत रेत, न चरंद न परंद। मैं अकेला इस रेगिस्तान में हूं। मैं घबरा जाता हूं, घबरा कर अपने बदन को जोर से झटकता हूं कि मेरी आंखें खुल जाती और अपने आप को अपनी असली जगह पाता हूं। वही कुर्सी पर बैठा हूं, सर पीछे निकाले। ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल लड़के और सच्चाई का सामना कर। वैसे तेरे इस तरह के ख्वाब के मायने अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन तेरी आने वाली नस्लों को इस बात से कोई गरज नहीं होगा कि वो भीड़ कौन थी और वो खोया हुआ गांव क्या है। एक हुक्मरान के लिए जरूरी होता है कि हुकूमत की डोर उसी के हाथ में रहे। बड़े नवाब, हुकूमत के काम में मैंने किसी तरह की कोताही नहीं बरती है। मैंने अपने तमाम जिलों को बराबरी के हुकूक दे रखे हैं, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं कही जा रही। पर अफसोस, अफसोस की बात यह है कि दरबार के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। मुझे नफरत होती है मगर मैं जब्त करता हूं। नफरत का हासिल खुशी कभी नहीं हो सकती। संजीदगी से गौर करने पर भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी जिंदगी किस काम की जहां तमाम आराम नसीब हो लेकिन जिंदगी में सुकून ही नहीं। शायराना फिक्र हुक्मरानों के लिए नहीं होती है, हुकूमत के लिए दीवानगी की जरूरत होती है। मुल्क को पाने की हवस होनी चाहिए। सुन लड़के, हुकूमत एक खेल का नाम है, सियासत खेल की चाल है और हाकिम खिलाड़ी है जो अपने मुखालिफीन के साथ खेलता। आवाम तमाशाई होते हैं, ऐसे तमाशाई जो कभी खामोश रहते हैं, कभी सहमे हुए, कभी बेचैन तो कभी जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन हुक्मरान जज्बाती नहीं होता, वो अपने दिमाग से खेलता है। इस खेल में कई पड़ाव आते हैं। पहली मंजिल वो होती है जब खेल की बाजी खिलाड़ी के हाथों में होती है। वो अपने मुखालिफ खिलाड़ी को चाल चलने का मौका देता है, उसे दौड़ाता है, भगाता है और मारता है। फिर दूसरा पड़ाव यानी दूसरी मंजिल, ये खेल का खतरनाक मोड़ होती है। इस मंजिल पर मुखालिफ का वार सख्त पड़ गया तो होशियार खिलाड़ी ठिटक जाता है, मुखालिफ को खेलने का मौका देता है, कभी भागता है, कभी मार खाता है, कभी खुद को बचाता है। इसके बाद का पड़ाव खेल का बहुत ही अहम और आखिरी मंजिल होती है। ये मंजिल कभी कभी बहुत खौफनाक हो जाती है। यहां दोनों तरफ के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत से खेलते हैं, दोनों का मकसद सिर्फ जीतना होता है और जीत सिर्फ एक तरफ की ही हो सकती है। दोनों तरफ के खिलाड़ी जी जान लगा देते हैं, जैसे चौगान का खिलाड़ी घोड़े पर सवार अपनी छड़ी से गेंद को मारता हुआ सरपट भागता है, ठीक उसी तरह ये खिलाड़ी एक दूसरे की चालों को मात देते जाते हैं। कभी कभी खेल की शक्ल ऐसी बन जाती है जैसे चौगान के घुड़सवार खिलाड़ी ने गेंद को छोड़ दिया और अपने मुखालिफ घुड़सवार की गर्दन काटकर उसे छड़ी से ठोकरें मारता हुआ बेतहाशा अपनी सीमा की तरफ भाग रहा हो। ये जुल्म है, ये खेल नहीं हो सकता। यही खेल है, ये उसूल खेल का। फिरौन ने भी यही खेल खेला था। महाभारत के किस्से भरे पड़े हैं इस खेल से और करबलाई जंग वो भी यही था। सिकंदर, अशोक, चंगेज खान सब ने यही खेल खेला। हमने हमारे बाप और उनके बाप ने भी यही खेल खेला था। याद रखो लड़के, तुम खेल की आखिरी मंजिल के पहले पायदान पर खड़े हो। अगर तुमने हिम्मत हार दी तो खेल की बाजी मुखालिफीन के हाथों में होगी। और यह भी याद रहे कि इस खेल के सबसे बड़े तमाशाई अवाम होते हैं। जीत का आखिरी फैसला वही सुनाते हैं। फैसला सुनाते वक्त
उनके चेहरे कभी डर से सहमे हुए होते हैं, कभी मासूम और कभी कभी खौफनाक। वहशत होती है मुझे इस खेल से बड़े नवाब, वहशत होती है। अरे जनाब क्या हुआ आपको, आप किससे बातें कर रहे हैं? कहाँ है बड़े नवाब, कहाँ है आप, बताइए। बड़े नवाब वो नहीं है यहाँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। बड़े नवाब, बड़े नवाब मैं चाहूं तो इस खेल को खेल सकता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ इस खेल को, मेरी रगों में भी खानदानी खून दौड़ रहा है, मैं भी जवान के घुड़सवारों की तरह मुखालिफ खिलाड़ी के सर को उठाकर सर पर दौड़ सकता हूँ, लेकिन इसका हासिल क्या है? नवाब सब खैरियत? अभी अभी मैंने चीखने की आवाज सुनी, क्या फिर तूने फिर से शोर मचाया, फिर से तूने दीवाने जैसी हरकत की? छोड़िए उसे। नवाब आप ठीक तो हैं? कहीं इस मजाक में? ऐसी कोई बात नहीं हुई है यहाँ, इसकी तबीयत खराब है, आप शाही हकीम से इसका मुआयना कराने का बंदोबस्त करें। शाही हकीम? हाँ ये मेरा हुक्म है। नहीं हुजूर, मुझ में ताकत है अभी, मुझे किसी हकीम की जरूरत नहीं। आप लोग यहाँ इस वक्त, क्या आपके आने की वजह मैं जान सकता हूँ? मुझे कोई खास नहीं, मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि नवाबजादी मेहरनिगार के वालिद मोहतरम अभी अभी किले में तशरीफ लाए। वो यहाँ किले में आए, उन्होंने मुझे अपने आने की खबर नहीं दी, बगैर इत्तला आने की वजह क्या हो सकती है? शायद अपनी बेटी से मुलाकात करने आया, वो हो सकता है कुछ जरूरी मामला पर आपसे भी बात करना चाहते, इसलिए वो आपसे अभी और इसी वक्त मिलना भी चाहते। फराज हुसैन जी, आप उन्हें खबर भिजवा दीजिए कि अभी मैं उनसे नहीं मिल सकता, कल सुबह उनसे मुलाकात हो। हुजूर आप नवाबजादी से मुलाकात कर रहे हैं वरना वो नाराज हो जाएंगे। ठीक है फराज हुसैन, मेरे आने तक आप यहाँ के मामलात पर जरा नजर रखें। बस जात भटकती रूह, किले के हुक्म को मानने से तूने इनकार कैसे किया? क्या तुझे खबर नहीं कि जूते के ठोकरों से तेरा काम तमाम कर दिया जाएगा? जाने दीजिए हुजूर, ये बावला है, मुद्दे की बात तो ये है कि आप दोनों बेवक्त यहाँ। बेवक्त हम नहीं आए, ये काम आपने और नवाब ताहिर ने किया है, बेवक्त की शहनाई बजा रहे आप लोग। मैं आपका मतलब नहीं समझा, नवाब ताहिर कब्रिस्तान का मुआयना करने आए हैं, यहाँ के हिफाजती इंतजाम की जानकारी लेने के लिए। हिफाजती इंतजाम सिपाही सलार और नायब सिपाही सलार की जिम्मेदारी है। आप क्यों तकलीफ उठा रहे? हाँ ये सच है, हिफाजती इंतजाम आप लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी सच है कि तमाम मामलात में आखिरी फैसला नवाब ताहिर अली बेग का ही होता है, किले के दस्तूर के मुताबिक उन्हें तमाम हुकूक हासिल है और महकमे में उनका ही इख्तियार है। मैं समझ रहा हूँ आप भी उनकी तरफ है। तू तो रात गए इस कब्रिस्तान के चक्कर लगाता है और मकबरे के पास खड़ा चिल्लाता भी है, अभी तो रात है और तू खामोश है क्यों? जब्बार हुसैन जाने दीजिए, एक मामूली सा नौकर है और इसकी तबीयत भी खराब है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें नवाबजादे की नवाबी सनक से आगाह किया, लेकिन अफसोस है कि आप कुछ रईसों के साथ मिलकर नवाब ताहिर के मुखालिफिन के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। आपको गलतफहमी हुई है, मैं मुखालफिन के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा। वैसे आप यहाँ कब्रिस्तान की तरफ कैसे आ गए? किले के दीवाने खास से ही निकलते वक्त ही मैं समझ गया था आप और नवाब ताहिर अली बेग मिर्जाबाग कब्रिस्तान में जरूर जाएंगे। मुझे शक हुआ यहाँ कोई सियासी चाल तो नहीं चली जाए, इसलिए मैं यहाँ आया। ओह तो वो आपके घोड़ों के हिनहनाने की आवाजें थी? जी हाँ आपने बिल्कुल सही समझा। किले में जो आजकल हलचल मची हुई है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं? किले के जो कानून है जिसे नवाब ताहिर अली बेग के वालिद मोहतरम ने बनाया था उसमें कई खामियां हैं। नवाब ताहिर अली बेग की खिदमत करना मेरा फर्ज है और ख्याल रहे कि नवाबजादे काफी समझदार हैं। हाँ समझदार है और उसे खुद पर भरोसा भी, इतना भरोसा है जो वो उसे अपनी नाक के सामने के रास्ते की तरफ कभी सही इशारा भी नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि आपने नवाब को गलत समझा है, नवाब बिल्कुल अलग किस्म के आदमी है, वो रहम दिल नेक शिफत इंसान है। जिस आदमी के रगों में कई पीढ़ियों के नवाबों का खून दौड़ रहा हो ऐसा आदमी कतई नेक और ईमानदार हो ही नहीं सकता। खैर
यह आपका अपना नजरिया हो सकता है, मैं इसे नहीं मानता। क्या सच है और क्या झूठ है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? जनाब अजीम बेग, आप बात को उलझाने की कोशिश ना करें। क्या मैं बात को उलझा रहा हूं? नवाब ताहिर अली बेग ने सिपाही सलार और रियासत के बड़े बड़े रईसों को अपनी तरफ कर लिया और अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो कोई मनमानी नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने रियासत के कई मामलों को बड़ी अकलमंदी के साथ संभाला है। मुझे तो आपकी नीयत पर शुबा आ रहा है। फराद हुसैन, अपनी हैसियत भूल रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये वक्त आपस में उलझने का नहीं है। मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है जो अपने आका के लिए सुरखरू बने रहना चाहते हैं। क्या कहा आपने? मैं बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूं, दोहरी चाल चल रहे हैं आप। आपने अभी तक अपना इरादा साफ नहीं किया है कि आप किसके साथ हैं। किले के दरबार में मुझे इज्जत हासिल है, मैंने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिससे किले को कोई नुकसान पहुंचे। कब्रिस्तान को लेकर नवाब ताहिर अली बेग के जो मंसूबे थे उसके बारे में जब्बार हुसैन को क्यों बताया? साफ जाहिर है आप जब्बार हुसैनी के साथ अपने ताल्लुकात गहरे बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन आप खुलकर जब्बार हुसैनी का साथ नहीं देना चाहते कि कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए। नवाब ताहिर की नई हिकमत अमली के बारे में मैंने जब्बार हुसैनी को नहीं बताया, बल्कि नवाबजादी महनिगार से मैंने इस बारे में बात की थी। वो भी इसलिए क्योंकि नवाबजादी बहुत जल्द नवाब ताहिर की बेगम बनने वाली है। मुझे हैरत है ये बात आप तक पहुंच गई। नवाबजादी महनिगार के साथ मेरे ताल्लुकात बेहद गहरे हैं, पिछले कई महीनों से मैं इस किले में हूँ और आप सभी जानते हैं कि नवाबजादी के बुलावे पर ही मैं आया हूँ। हकीकत तो यह है कि नवाबजादी महनिगार नवाब ताहिर को कतई पसंद नहीं करती, वो भी उनसे बेजार हो चुकी है। मुझे तो शक है कि वो उनसे निकाह कबूल करेंगे भी या क्या कह रहे हैं आप? यही सच है, लेकिन आप और दूसरे रईस ऐसे नवाब की तरफदारी में लगे हुए हैं जो गुजरे हुए जमाने में गोता लगा रहा है, जो कब्र में सोए हुए अपने पुरखों के लिए फिक्रमंद है, जिसे ना हाल की परख है ना आने वाले दिनों की कोई परवाह है। ये आपकी अपनी समझ है, मैं उन लोगों के बारे में नहीं जानता जो नवाब ताहिर के खिलाफ है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ नवाब ताहिर अली बेग ने अब तक जो भी फैसले लिए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। किले की देख रेख और मिर्जाबाग कब्रिस्तान की हिफाजत करना उनका असल मकसद है। बेहतरी के लिए और भी कुछ फैसले लिए जा सकते थे। किस फैसले की बात कर रहे हैं? मान लिया जाए नवाब ताहिर अली बेग गलत राह पर, नहीं मैं तो कहूंगा कि नवाब ताहिर अली बेग जानबूझकर ये सब कर रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। ऐसा क्या है जो बर्दाश्त ना किया जा सके? मैं खुलकर अपनी बात कह रहा हूं, नवाब ताहिर अली बेग दोहरी फितरत का आदमी, अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए गुजरे हुए जमाने में गोता लगा रहा है। क्या उसकी कमियां आप नहीं देख पा रहे? वो अपने मामूली तौर तरीकों से यहाँ के निजाम को संभाले हुए हैं। ये उसके पहले हिस्से का मामूली तौर तरीका है, दूसरे हिस्से के तौर तरीके को बचा कर रखा है ताकि अपनी बहुत बड़ी हुकूमत कायम कर सके, और बहुत जल्द ही वो आपके इख्तियार को भी छीन लेगा। फिर आपकी हैसियत एक कठपुतली के जैसी हो जाएगी जिसकी बगडोर उसके खिलाड़ी के हाथों में रहती है, और देख लीजिएगा ऐसा ही होगा। अगर आपकी बात सच है तो? बिल्कुल सच है। ये फैसले का वक्त है जनाब फरहाद हुसैन, कहीं आपको अफसोस ना रह जाए कि आपने क्यों सुनहरा मौका हाथ से जाने दिया। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार। कहाँ है वो? तू बजात मकबरे का रखवाला उल्लू। मुझे छोड़ नहीं तो वो बड़ा मचा देगा। आज तेरी जिंदगी का आखिरी पल होगा। हुसैनी साहब दरवाजा खोल, मेरे बाबा बहुत बीमार है, छोड़िए। ये कैसी दीवानगी सवार हो रही है? इतनी एक अजनबी होना जरूरी है उसे ठिकाने लगाने के लिए? बूढ़े लड़के, ये क्या तूने कभी उसे देखा है शाम के वक्त जंगल में बिना बंदूक के चिड़िया उड़ाते हुए? लेकिन मैंने देखा है दिन के वक्त वो बतख जरूर उड़ा। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? आ जाओ सब कोई। क्या हो रहा है ये सब? मैं तुम लोगों को बाहर जाने नहीं दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? इसे छोड़े, ये कमजोर है, इसकी तबीयत बिल्कुल खराब है, ये किसी भी वक्त दम तोड़ दो। छोड़िए छोड़िए, ये कमजोर नहीं है, ये बहुत हिम्मत वाला बूढ़ा लड़का है। दूर हटो, इसका ताल्लुक कब्रिस्तान से है, किले के लिए तो ये एक अजनबी है। दूर, नवाब ताहिर अली को ठिकाने लगाने के लिए बिल्कुल चुस्त कारिंदा है। क्या
क्या आप देख नहीं रहे कि इस पर दीवार की तारी हो गई है? शायद मकबरे की रूह बाहर निकलना चाहती है, ये उसे रोकने की कोशिश कर रहा है बस। इस पर कोई दीवानगी नहीं है, बल्कि दीवानगी का ढोंग रचकर हमें बेवकूफ बना रहा है ताकि हम इसे यहाँ से जाने दें। इसने रूह के भटकने का किस्सा गढ़ा है, झूठा और मक्कार है ये। अगर यहाँ कोई रूह होती तो हमें नजर नहीं आती, मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं, इस कब्रिस्तान की रूहें किसी को दिखाई नहीं देती, ना ही कोई उनकी आवाजें सुन सकता है, लेकिन ये मुजारिब सब कुछ देख सकता है, उनसे बातें करता है। इस मकबरे में सदियों पहले को कोई नवाब है जिससे इस मुजाविर की हमेशा मुठभेड़ होती है, ये सच है। ये सब गड़े हुए किस्से हैं। आ जाओ, आज कब्रिस्तान का फाटक तोड़ डालो, ये मेरा हुक्म है। ये क्या तमाशा है, हर रात इस कब्रिस्तान में शोर मचाकर तूफान खड़ा किए रहते हैं। ये मुजाविर आपको बाहर जाने नहीं देगा। इसके पुरखों ने जो यहाँ की रखवाली करते थे, क्या कभी आपको इस मगरब से आजाद होने दिया? सदियों से मैं यहाँ कैद हूँ, सिर्फ दो गज की जमीन और मैं करवट करवट अंधेरे में, ऐसी बेबसी, ऐसी लाचारी। मेरे किले, मेरी हवेलियां, मेरे हाथी, मेरे घोड़े, मेरे गुलाम, इन तमाम चीजों पर उस हरामजादे रखवाले ने कब्जा कर रखा है। मैं इसका कत्ल कर डालूंगा। आप एक मामूली सी रूह हैं और हम भी, आपका और हमारा इस दुनिया में कोई जिस्मानी वजूद नहीं, मौत के बाद की जिंदगी है। हम इस दुनिया में हैं जहाँ ना कोई नवाब होता है, ना गुलाम, ना बादशाह, ना प्यादा, ना मलिका, ना कनीज, सब एक जैसे हैं, सब जमीन के अंदर हैं, करवट करवट अंधेरे में। कुछ रूहें इसी अंधेरे में सुकून की नींद सोती हैं और कुछ भटकती रहती हैं। कई सदियों से आपकी रूह भटक रही है और कुछ नहीं, गुजरे हुए जमाने के इतिहास है आप, वक्त के साथ चीजें बदलती रहती हैं और बदलती रहेंगी, यही दुनिया का उसूल है। बार जानिश, आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि ये रखवाला बहुत बीमार है। नवाब ने खास तौर पर हुक्म दिया है क्या इसका हर हाल में ख्याल रखा जाए, उसके इलाज में चाहे किले के तमाम खजाने खाली हो जाए। ये क्या कह रहे हैं आप, इसके इलाज के लिए? फाटक को तोड़ डालो। दूर हटो यहाँ से, दूर हटो। तुम सब लोग पीछे हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, ये मेरे अख्तियार के बाहर है। दूर हटो, हट जाओ यहाँ से, पीछे हटो। क्या हुआ इसे? ये यहाँ इस हाल में क्यों खड़ा है? ये मकबरे की तरफ किसी को हटाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो रूहें आप गिराई थी? क्या आप लोगों में से किसी ने रूहों को देखा? बड़े नवाब की रूह जो मकबरे से बाहर निकलती है, क्या आप में से सुना किसी ने देखा? नहीं, हम लोगों ने किसी को नहीं देखा यहाँ पर। मुझे हैरत होती है कि आप भी इसकी बातों पर यकीन करते हैं कि यहाँ रूहें भटक रही हैं। हाँ, ये सच है, यहाँ रूहें भटकती हैं और बड़े नवाब की रूह यहाँ से निकलना भी चाहती है। नवाब ताहिर, आप भी इसकी बातों में आ गए। ये ढोंगी दीवाना है, इसने रूहों के भटकने का स्वांग रचा है, झूठा और मक्का रही है। सरदार जब्बार हुसैनी, अगर आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो, अगर इस पर दीवान की तारीफ हो गई थी तो आप लोगों ने इसे संभाला क्यों नहीं? आपको गलतफहमी हो रही है, हम जब तक मामले को समझ पाते आप आ गए। मैं सब समझता हूं, मैं सब देख सकता हूं, किले के बाहर और किले के अंदर क्या हो रहा है, साजिशें रची जा रही है, अपने और गैर सब एक तरफ हो गए हैं, यहां तक कि नवाबजादी मेहर निगार ने भी निकाह से इनकार कर दिया है। मेरे चारों तरफ की फिजा उदास है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सूखी शाख पर बैठा हुआ एक परिंदा हूं जिसके पर किसी ने नोच डाले हों। तमाम चीजें मेरे इख्तियार से बाहर हो रही हैं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। बेशक आप हिम्मत नहीं हार सकते, क्योंकि आपको अपनी जान हारनी होगी। Thank you.
यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ। घोड़ा घोड़ा रखवाला तैनात है, चले जाओ यहां से, घोड़ा रखवाला तैनात है, चले जाओ यहां से, बूढ़ा 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 रखवाला तैनात। लेकिन याद रहे, आखिरी बाजी अवाम के हाथों में रहती है। सदियों से ये खेल हर कौम में कहीं ना कहीं जरूर खेला गया है। जालिम दिलों के लोगों के दिलों पे कभी हुकूमत नहीं कर सकता। इन हवाओं इन फिजाओं पर किसी का बस नहीं है। इंसान की जरूरतों को बदला जा सकता है, उन पे काबू किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत पर कभी किसी का काबू नहीं होता। कुदरत के गीतों के सामने नकारे पर बर्बरियत की चोट गूंगी हो जाती है। बेहद खूबसूरत एक रंग पाठ देखने को मिला हमें साजिदा के निर्देशन में ट्रेजर आर्ट ग्रुप से, अजहर आलम के नाटक। बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया। आप में से कोई दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं नाटककार से, निर्देशक से, अभिनेता से, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, बैठ जाएं। और साजिदा, आपके मन में बहुत सवाल होंगे नाटक की तैयारी करते समय, और आपके मन में अजहर आलम जी यदि उस तौर देते हैं, तो वहीं से शुरू करें आप लोगों की बात। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी टीचर, मेरे लिए इंस्पिरेशन कीर्ति मैम की, कि उन्होंने मुझे ये स्टेज, ये नाटक यहाँ करने का मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आज के दिन के लिए भी शुक्रिया कि आप सब लोग की मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग वक्त निकाल कर आए। बहुत बहुत धन्यवाद ऑडियंस।
थैंक यू सर, आपने इतना खूबसूरत नाटक लिखा। थैंक यू माय ऑल एक्टर, बैक स्टेज की मेरी पूरी टीम, विदाउट आप लोग के सपोर्ट ये नाटक यहाँ नहीं हो सकता था। धन्यवाद। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं खुद एक एक्ट्रेस हूँ और डायलॉग याद करके बोलना, इमोशन कैरी करना, एक एक्टर की जर्नी होती है, कंप्लीट जर्नी। स्क्रिप्ट हाथ में होना, मुझे खुद ऐसा फील होता था जब हम लोग करते थे कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें। शुरुआती दौर बड़ा मुश्किल गुजरा स्क्रिप्ट को हाथ में लेके उसको नाट्य पाठ बनाने में, तो ये जर्नी बहुत मुश्किल रही, बहुत मुश्किल। बट धीरे धीरे ये इंटरेस्टिंग होती गई कि एक कैरेक्टर, जो भी एक्टर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो पढ़ भी रहा है, कुछ याद भी कर रहा है, मूव भी कर रहा है, और उसको हर एक लाइन को वैसे ही प्रेजेंट करना है ऑडियंस के सामने। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाती है लाइन्स, जो क्योंकि ये नाट्य पाठ है, तो नाट्य पाठ बोलते ही कोई भी लाइन में एक्टर खेल नहीं सकता। अब इम्प्रोवाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हम एक्टरों की बहुत ज़्यादा फितरत होती है कि हम कई लाइन्स में अपना अरे यार हाँ ये सब ऐड ऑन कर लेते हैं, बट यहाँ हमारे पास वो रह नहीं गया, वो एरिया नहीं रह गया इन्वॉल्व करने का। सो वो वाला बहुत मुश्किल रहा, वो वाला जो पॉइंट था कैरेक्टर को लेकर। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की और मुझे लगा हम लोग दे पाए 80%। 20% अभी भी कमी थी, वो रहेगी हमेशा हर एक परफॉर्मेंस में, पर ऐसा लगा मुझे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये किया जा सकता है। मतलब ऐसा कुछ बार बार किया जा सकता है नाटककार के लिए कि उसमें नाटक सबसे ऊपर है, जबकि जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमेशा स्टेज एक्टर का ही माध्यम मुझे लगता है। डायरेक्टर अपना काम करके वहाँ बैठ जाते हैं, लाइट वाला अपना काम कर रहे होते हैं, म्यूज़िक वाला अपना काम कर रहे होते हैं, कॉस्ट्यूम वालों का काम परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है, मेकअप का काम ख़त्म हो जाता है, एंड पूरा जो माध्यम है वो सिर्फ एक्टर का होता है, एक्टर के होल्ड में होता है। वो जो करे, वो लाइन्स भूले, वो इमोशंस दूसरे ग्राफ में ले जाए, तो डायरेक्टर बाहर बैठ के सिर्फ सर ही पीट रहा होता है, अरे यार क्या कर रहे तू, ऐसे वाला हो जाता है। तो एक्टर सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर होता है एक्टर, बट यहाँ नाट्य पाठ में पहले नंबर पर है राइटर और स्क्रिप्ट। सो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम उसको रख पाएँ। हम बहुत सारी मुश्किलों से गुजरे। मेरे सारे एक्टरों के मुझसे यही सवाल होते थे, मैम स्क्रिप्ट हाथ में रखना ज़रूरी है क्या, बिना स्क्रिप्ट के करें क्या? अब तो डायलॉग बहुत सारे याद भी हो गए और हम याद कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। मैंने बोला नहीं, आप लोग याद करके बिल्कुल नहीं करेंगे, हम स्क्रिप्ट हाथ में ही रखेंगे, हम उसको कैसे कैरी करेंगे, हम अपने एक्शन के साथ भी स्क्रिप्ट को ना तो गिरने देंगे ना ही उसके पन्नों को उलट पुलट होने देंगे। ये हमारे एक्शन का पार्ट होगा कि स्क्रिप्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस समय नाट्य पाठ में। हमारे लिए राइटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक्टर मुझसे हर तीसरे दिन यही सवाल पूछते थे और मैं उनको यही जवाब देती थी, नहीं स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी स्क्रिप्ट हाथ में ही होगी, नहीं जाएगी। सो हमने कोशिश की है। बाकी आप लोगों में से किसी का भी यहाँ, मुझे लगता है बहुत सारे एक्टर हैं, बहुत काफ़ी लोग यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनको मैं काफ़ी सम्मान देती हूँ, काफ़ी पहले से 2005 में जब एनएसजी से आई तब से मैं लोगों को देखती रही हूँ, लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो मैंने कीर्ति मैम का नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने मुझे एक तरीके से, मैं एक छोटा सा पौधा उनके हाथ से लगा था एनएसजी में 2005 में, मेरे सिलेक्शन में वो थी और फिर उन्होंने मुझे सींचा, मेरी प्रॉब्लम्स लेके मैं उनके पास जाया करती थी अक्सर, इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया मैम का नाम। सो प्लीज़ अगर किसी का भी कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं बेझिझक, और कोई भी कमेंट है बेझिझक आप प्लीज़। नहीं मेरा सवाल तो नहीं कोई, लेकिन मैं कल से बहुत शौक में हूँ। कल शाम को अज़र मेरे साथ थे, मेरे घर पर ही थे, और इन्होंने एक नया नाटक पढ़ा चाक,
तो मैं अभी उसी में घूम रहा था, रात को भी सुबह भी। ये नाटक मुझे देकर आए थे, देख तो नहीं पाया था, कलकत्ता में ही करते रहे हैं, लेकिन आज पढ़ने का वक्त नहीं मिला और आज मौका मिला ये देखने का। तो ये भाई आपने आज दूसरा शौक दिया। तो मैं कहूँगा कि जिसको आप गंभीर थिएटर कहते हैं, और उर्दू में तो ख़ास तौर पर बहुत अनुपस्थित है, हिंदी में भी कहिए तो गंभीर थिएटर कितना हो रहा है ये आप सब जानते हैं। हल्का फुल्का थिएटर बहुत होता है, वो भी शायद एक ज़रूरत है समाज की, और उसको भी चलने दीजिए, लेकिन गंभीर थिएटर की जो ज़रूरत हम जैसे लोगों को ज़रूरत होती है, मुझे लगता है ये ड्रामा उनमें से एक ऐसा ड्रामा है जो बड़े सवाल आपके सामने उठाता है और आपको कुरेदता है। एब्स्ट्रैक्शन में भी है और वो मूर्त भी है, अमूर्त भी है, और दोनों दुनियाओं में जैसे वो ट्रैवल करता हुआ आपके सामने बहुत सारे सवाल रख देता है। और नाट्य पाठ के साथ साथ जो थोड़ा जितना भी इनको स्पेस मिली, एक्टरों को जितना भी उनको वक्त मिला, मुझे लगता है जो एक स्क्रिप्ट का इम्पैक्ट होना चाहिए था वो हुआ है। और जब ये हाथ हट जाएंगे, जब स्क्रिप्ट हाथ में नहीं होगी, जब अपने पूरी मूवमेंट्स के साथ और पूरे अपने और जो थिएटर की ज़रूरतें हैं उनके साथ जब जिसका मंचन, मुझे लगता है रूहें का मंचन आप लोग तो करते ही रहे हैं, वो मैं देखा नहीं है कभी, यहाँ दिल्ली में मौका मिले तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन और भी कोई करेगा, अगर ये ग्रुप भी करेगा तो उसका एक अलग तरह का इम्पेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रतिष्ठान को कि इस बहाने ये नाटक सामने आया, और अगले दो दिन जो नाटक का आप देखने वाले हैं वो भी मेरे पढ़े हुए हैं, प्रेग्नेंट फादर और शत्रु। शत्रु तो बहुत पहले का लिखा हुआ प्ले है अशोक लाल जी का, और उस पर तो मेरी एक भूमिका भी है, वो शायद मुझे नहीं पता इन्होंने उसके साथ दी है कि नहीं दी, लेकिन एक लंबी भूमिका। और बहुत अच्छा कमेंट किया था उन्होंने कि भाई आपकी भूमिका पढ़ने के बाद मैं अपने नाटक को समझ पाया हूँ, तो उसके लिए तो उनका शुक्रिया। लेकिन आज का ये जो नाटक, प्रेग्नेंट फादर की भी बात हुई, उसका भी संकेत आज जब इनामात दिए जा रहे थे तो बता दिया गया कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो अलग अलग सब्जेक्ट के तीनों नाटक और अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ, क्योंकि ये तो मैंने देख लिया और दो मेरे पढ़े हुए हैं, तीनों नाटकों के धरातल अलग हैं, तीनों नाटकों की दुनिया अलग है, तीनों नाटकों में प्रश्न अलग हैं। कल का जो इनको मुझे नाटक सुनाया था चौक, उसके बारे में एक संकेत कर दूं कि वो बड़ा अनटच्ड प्रॉब्लम है, और वो ख़ास तौर पर जो कलकत्ता में जो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे, जो पहले हिंदुस्तान से बांग्लादेश गए और फिर वहाँ जब हालात बिगड़े तो फिर यहाँ लौटे, वे लोग, उन लोगों की जो पीड़ाएँ हैं, और वो जैसे वो चाक चल रहा है और उस पर वो चढ़े हुए हैं और वो पीड़ाएँ भोगने के लिए अभिशप्त हैं, बहुत बेहतरीन नाटक वो भी था आज का भी। तो बहुत बहुत बधाई, और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी राय में नाटक किस बारे में है अजहर साहब? क्यों हम लोग अपना अपना पढ़ रहे हैं, अपना अपना समझ रहे हैं, आप बताएं। मेरी राय में ये नाटक मुस्लिम रूलर्स के बारे में नहीं है। औरंगज़ेब की मौत के बाद बहादुर शाह जफ़र तक का जो ज़माना है, 100 साल का जो ज़माना है, वो उथल पुथल का ज़माना है। उस ज़माने में यही हुआ, खूबसूरत लड़कों को ख्वाजा सिरा बना दिया जाता था, उसके साथ वासना सेक्स किया जाता था। कोई अगर सूफ़ी और सूफ़िज़्म की तरफ गया, जैसे शेख सरमत को तो औरंगज़ेब ने ही मरवा डाला था, और कुछ यानी भक्ति और सूफ़िज़्म और उस तरह की जो बातें होती, जो दारा शिकोह का एक इमेज जो आपने देखा कि उसे हिंदू होता जा रहा है, उस तरह से कई इवेंट हैं। और दास्तानगो एक जो इंटरटेनमेंट का ज़रिया हुआ करता था,
और इस पूरी चीज़ में एक वो उथल पुथल है जो पिछले 5, 7, 8, 10 वर्षों से हम अपने देश में देख रहे हैं, जो साफ नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगा। और उसी की वजह से ये इस तरह से एक लिखने के प्रोसेस में आया। और चूँकि मैं बताऊं कि ये काफ्का का एक प्ले है, प्ले नहीं है, छोटा सा है वो, वार्डन ऑफ द टूम, तो उसके आइडियाज़ को लिया मैंने। प्लॉट का वो आइडिया है और कुछ भी नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं, जो दास्तान गो है या फिर वो जो सोलोलोकी है, उन दोनों के बीच में नवाब ताहिर और बड़े नवाब, तो मेन वही है कि जमहूरियत क्या है, डेमोक्रेसी क्या है और आखिर में क्या होता है। एक पल आता है, मैं इस तरह से कहूँ कि जहाँ पे मद जा रहा है, ये नवाब ताहिर को मारा जा रहा, बहुत खूबसूरत सीन डिज़ाइन किया आपने, वो मारने का सीन बहुत अच्छा लगा मुझे वो। तो नवाब ताहिर मरने के बाद फिर सवाल करता है कि काश मैंने भी वही किया होता जो मेरे बाप दादा ने किया। तो मुस्लिम हो या कोई भी हो, एक कौम जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादती होती है तो वो अपने हीरो को तलाश करने लगता है। और हीरो को कब तलाश करता है, वहाँ पे भूल जाता है कि उसका हीरो कितना जालिम था। वो उसके लिए औरंगज़ेब भी हीरो हो सकता है, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी भी हीरो हो सकता है। तो वो जो हीरोइज़्म है कि शायद वही चीज़ तलाश कर रहा है, इसीलिए वो कहता है कि मैं भी आपके नक्श कदम पर, मुझे भी चलना चाहिए था और मुझे भी मारना चाहिए था। लेकिन अल्टीमेटली वो हीरोइज़्म नहीं है, अगर वो होता तो शायद मैं वहीं पे छोड़ देता। इसलिए वो जो मलका का जो किरदार है, वो कहती है चाहे जितना भी खेल लो, जिस तरह से भी खेल लो, हर कौम में इस तरह के खेल खेले गए हैं, लेकिन जो बर्बरियत और जुल्म है उस पर नक्कारे की चोट गूंगी हो जाती है मोहब्बत के सामने। तो ये चीज़ कहना चाह रहा है कि जुल्म का रास्ता चाहे जैसा भी हो, वो मतलब आपको कभी भी वो अपील नहीं करेगा। और वो उसको एक कहूँ कि पिछले 10 वर्षों में सोशल मीडिया पे या इसमें झूठ सच सच झूठ इतना मिल गया है, और चीज़ों का जो एक इंटरप्रिटेशन है कुछ अलग किस्म का है। यानी दो तरह के रुझान बहुत साफ नज़र आते हैं, एक वो जो ये सही है, एक वो जो ये कहते हैं कि ये गलत है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन चीज़ें इतना अजीब ढंग से हो गई हैं कि हमारी समझ में ये नहीं आता है कि जब लिंचिंग होता है और उसको वायरल किया जाता है, और जो शख्स लिंचिंग करता है किसी की और वो जेल जाता है और जेल में मर जाता है, मर कर जब बाहर आता है तो उसकी लाश पर हमारा मिनिस्टर जो है वो तिरंगा झंडा बिछाता है उसके ऊपर, तो ये कहाँ है, कौन सा है, मतलब ये किस तरह का साइकोलॉजिकल डिक्टेटरशिप है, कौन सी ऐसी चीज़ है? क्या ये हिस्ट्री में हमें पिछले 100 साल में नहीं मिलता है? ज़रूर मिलता है। आप लोगों ने शायद हिस्ट्री पढ़ी हो तो औरंगज़ेब का जो बेटा था उसकी एक माशूका थी, उसने उससे कहा कि मैंने कभी किसी आदमी को दरिया तालाब में डूब कर मरते हुए नहीं देखा। तो वो कहता अच्छा ऐसा है, डूबते हुए नहीं देखा है, चलो अभी दिखाते हैं। 100-200 आदमी को वो एक कश्ती पे सवार करता है और दरिया में डुबो देता है, ये हिस्ट्री है। तो क्या चाहते हैं उसी का वो बदला उसी तरह से लिया जाए, या फिर वैसा ही हो लिंचिंग के नाम पर? तो ये चीज़ें डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं। यानी वो जो 100 साल की जो हिस्ट्री थी पूरे हिंदुस्तान की, बहुत डिस्टर्बिंग, जिस तरह से कि आप पढ़ेंगे भी तो बहुत अजीब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गलत सच और उसमें हम चले जाते हैं, वही चीज़ें पिछले कुछ बरसों से यहाँ नज़र आ रही हैं। अगर ये चीज़ और 10 साल 15 साल 20 साल हो गया तो ऐसा ही शायद कुछ होगा। पहले क्या होता था कि एक सूबे का कोई जागीरदार है, उसका दूसरे सूबे से नहीं बना तो उस पर चढ़ाई कर देता था, जंगे करता था और उसको कब्ज़ा कर लेता था, या तो उसके
कब्जे में आ जाता था या फिर अपनी सीट हार जाता था। आज क्या होता है, आज एक विधायक दूसरे विधायक को खरीदा जाता है वोटिंग्स के तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी अब का मीडियम बदल गया है लेकिन उसका जो बेसिक इसेंस है वो वही चीज़ है। तो यही सी चीज़ें हैं जो एक पॉलिटिकल डिस्टरबेंस जिसकी वजह से इस पूरे नाटक को लिखा मैंने, और कोई ये नहीं है। जी मेरा नाम राजीव कुमार शुक्ल है। मुझे मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल जो है वो साजिदा जी आपने जो बात कही उससे पैदा हुआ मेरे दिमाग में, क्योंकि आपने कहा आप एक एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस एक्टर का अपना एक तरीका होता है स्क्रिप्ट के साथ ग्रो करने का। जो थिएटर मैंने किया है उसमें भी ये होता है कि शुरुआत तो हम स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, बैठकर पढ़ते हैं, और मुझे याद है कि जोर ये भी होता था कि आप उसको ध्यान से पढ़ें। एक्सप्रेशन शुरू शुरू में कहा जाता है आप मत डालिए, वो बाद में एक्शन के साथ आएगा बोलने में, लेकिन उसको पढ़ते हैं, एक पाठ होता है। एक श्रुति नाम की परंपरा भी NSD में चला करती थी जहाँ नाटक की स्क्रिप्ट का एक पाठ होता था, हमने अटेंड किया है। मेरा कुछ वास्ता रेडियो नाटकों से भी है जहाँ कि स्क्रिप्ट हाथ में होती है और माइक्रोफोन सामने होता है, फिर भी कुछ जेस्चर्स कुछ मुद्राएं एक्टिंग के समय, क्योंकि आवाज़ के उतार चढ़ाव से ही सारी चीज़ें करनी होती हैं और कुछ पर्सपेक्टिव के लिए मूवमेंट भी होता है। आपने वो सारी बातें कहीं, हमने जो देखा वो ये कि ये पूरी तरह पाठ होते हुए भी उससे आगे धड़क रहा था, कई जगह जेस्चर्स भी हुए, कुछ एक्टर्स ने वो चीज़ें भी की। क्या आपको लगता है कि ये अपने आप में एक नई फॉर्मेट हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे नाटक हमारे यहाँ कहे जाते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लिखे बहुत अच्छे गए। आपने कहा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अभी राइटर ही रहा, राइटर को ही हमने सर्वोच्च माना। ऐसी बहुत सी स्क्रिप्ट्स हमारे यहाँ हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो मंचन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, लिटरेरी या टेक्स्ट के रूप में बहुत अच्छी हैं। जयशंकर प्रसाद का एक उल्लेख होता है और भी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो स्टाइल है इस तरह पढ़ना और उसमें एक्सप्रेशन का एक हद तक ले जाना, ये एक आगे के लिए एक फॉर्मेट हो सकता है, इस पर आप काम करना चाहेंगी एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्टर? जो आपने कहा उससे मेरे मन में ये बात पैदा हुई कि क्या एक नई फॉर्म की तरफ ये यात्रा हो सकती है। अजहर साहब आपसे मेरा सवाल ये था, वो कंटेंट के बारे आपने भी उस बारे में काफ़ी बातें कहीं, लेकिन मुझे ये लगा कि जो अंत जहाँ होता है, जहाँ ये जो जमहूरियत को बढ़ावा देने वाला नवाब है उसका कत्ल हो जाता है और फिर वो उसकी रूह कहती वही सही था, तो वो जो आखिरी जो डायलॉग है कि नहीं खेल होते रहेंगे लेकिन अवाम ही आखिरी फैसला करता है, ये एक विशफुल थिंकिंग की तरह कंट्राइव चीज सी लगती है। ये प्रोसेस से निकल कर आई हुई बात नहीं मालूम होती, ऐसा मुझे लगा कि लास्ट में कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण होनी चाहिए, इसलिए ये एक डायलॉग लास्ट में आता है। आपको इस बारे में क्या लगता है? आप दोनों से ये सवाल है। मैंने तो पहले ही आपने जो सवाल किया उसको पहले ही मुझे लगता है जवाब दे दिया था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा और मुझे लगा कि ऐसा किया जा सकता है। बहुत सारी स्क्रिप्ट जैसे अंधायुग मैं बात करूँ तो इतना टैक्स है, तो उसको आज के टाइम पे ना तो लोगों के पास इतना वक्त है कि वो 4 घंटे 3 घंटे बैठ के उस नाटक को उस तरीके से देखें। जो सीरियस थिएटर की बात अभी कही सर ने, तो सीरियस थिएटर देखने वाली ऑडियंस हमारे पास बहुत कम है, बट फिर भी जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आपने जो बात कही कि इसको हम एक नया फॉर्म के रूप में परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है और मैं सोच रही हूँ कि हम ये कर सकते हैं और स्क्रिप्ट्स के साथ भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें मुझे सर ये लगी कि इसमें खर्चा बहुत कम होता है और थिएटर में वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये सल्यूशन भी है एक तरीके से कि हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि इसमें खर्चा बहुत कम होता है, हम इसको कहीं भी कर सकते हैं। दूसरी फ्रीडम ये है कि हम इसको रूम थिएटर में कर सकते हैं, हम इसको किसी इंडोर छोटे थिएटर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें कमानी चाहिए, LTG चाहिए, अभिमंच चाहिए, ये हम कहीं भी कर सकते हैं। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा जो एरिया है कि एक्टर करना चाहते हैं, डायरेक्टर करना चाहते पर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑडिटोरियम अवेलेबल नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑडियंस ऑडिटोरियम में उतनी नहीं आ पाती है जितना ऑडिटोरियम का खर्चा जाता है,
ऑडिटोरियम में करने के लिए जो हमें सारे साजो सामान चाहिए होते हैं वो सब भी हटाया जा सकता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको करने के लिए मुझे जो लगती है कि आज जो बिल्कुल मतलब हम तो फिर भी लकी रहे कि हमने स्क्रिप्ट पे काफ़ी काम किया है। आज की जो जनरेशन है स्क्रिप्ट पे काम करना बहुत कम हो गया है, उनके पास या तो स्क्रिप्ट नहीं है या वो बहुत जल्दी में है, बहुत जल्दी में उनको किसी भी यूट्यूब में अपने आप को लॉन्च करना है तो बहुत जल्दी है। जबकि आर्ट, कोई भी आर्ट, वो चाहे थिएटर हो, वो चाहे म्यूज़िक हो, वो चाहे डांस हो, वो चाहे पेंटिंग हो, वो वक्त मांगती है, उसमें आपको साधने के लिए वक्त चाहिए। तो आज के एक्टरों से जो डायलॉग छूटते जा रहे हैं, जो माध्यम है बेसिकली अगर वो मीडिया में भी जाएँ तो डायलॉग्स पर पकड़ के लिए एक्टर के लिए ये बहुत अच्छी फॉर्म हो सकती है। तो इसको एक्टर्स के लिए किया जा सकता है, खासकर एक्टर्स के लिए, कि वो काम करें स्क्रिप्ट पर। स्क्रिप्ट पर कैसे काम होता है, बिकॉज विदाउट स्क्रिप्ट कुछ नहीं है। आप स्क्रिप्ट लेके जब काम करना शुरू करते हैं तो आपको डायलॉग पर काम करना आता है, आप जानते हैं कि डायलॉग कैसे बोलना है आपको बेसिकली। तो ये बहुत ही अच्छी फॉर्म हो सकती है और मैं इसके बारे में आगे ज़रूर कुछ करने वाली हूँ। इस बार मेरा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गया है। मैं भी कुछ बोल देता हूँ। लगभग वही सवाल है जो राजीव जी ने सवाल उठाया था साजिदा जी से और आपसे अभी है, कि पहला तो नाटक पाठ को फॉर्मेट को लेकर एक अच्छी बहस हो गई है मुझे लगता है। और मुझे याद है नटरंग में 10 साल पहले एक अंक कृष्ण बलदेव वैद्य जी का नाटक भूख आग है छपा था, उसमें जब नाटक पाठ के संबंध में बड़ी बातचीत हुई थी, कई लोग थे उसमें, मुझे लगता है कि हिंदी के काफ़ी लोग नेमी जैन भी थे उस वक्त जो है। उस वक्त जो है ये बहस में आई थी कि क्या नाटक पाठ, क्योंकि ये मंचन तो है नहीं, नाटक पाठ जो हम कर रहे हैं तो वो एक तरह से नाटक को माने बलाघात करके पढ़ा जाए, नाटकीय ढंग से पढ़ा जाए, या जो नाटककार ने जो लिखा है उसके विचार को प्रोपेगेट किया जाए। कहीं ना कहीं हम अगर थिएट्रिकल म्यूजिक इस्तेमाल करें, प्रॉप्स का इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं क्योंकि मंचन तो हो नहीं रहा है तो डायरेक्टर कहीं ना कहीं वो आ जाता है हमारे सामने और वो आपके दर्शकों के सामने इम्पोज भी करने लगेगा कि दर्शक आप इस ढंग से देखिए। जबकि ये नाटक लिखा गया है, अभी लिखा गया है, तो लेखक क्या लिखा है और क्या उसकी विचारधारा है वो सामने आना चाहिए, उसी को हम उसी ढंग से कंसीव करेंगे। अगर हम उसमें तमाम थिएट्रिकल चीज़ डाल दें तो ये हो सकता है कि उसमें लाइट डिज़ाइनर, चूँकि आपने LED भी लाइट इस्तेमाल कर रहे थे, क्यों रूहे के समय जो नीली रोशनी आ रही थी तो वो उस रूप में भी जा रहे थे। ये सवाल तब भी उठा था कृष्ण बलदेव वैद्य जी के भूख आग के समय, और तो कुछ लोगों का ये भी था कि आप यूं ही पढ़ दें उसको, क्योंकि बहुत सारी कविताएं देखिएगा मंचीय कवि बहुत साधारण कविताओं को इतने अंदाज से पढ़ते हैं कि वो कविताएं बहुत बेहतरीन लगती हैं, और बहुत सारे जो अच्छी अच्छी कविताएं हैं उसको ढंग से नहीं पढ़ते। ये बहस के विषय था उन दिनों। तो ये क्या रूप होगा अभी साथी ने उठाया, मुझे लगता है कि मैं आपको थोप कर बता भी नहीं सकता, यही रूप होना चाहिए। तो ये इस बातचीत करने की ज़रूरत है कि किस रूप में हम दर्शकों को ले जाएं। दूसरा आलम जी से हमारा कहना था कि जिस तरह से आपने बातचीत रखी है वो काफ़ी गहन बातचीत थी। बिल्कुल, ये ड्रामा आजकल के जो मौजूदा हालात हैं, जिस संकट दौर से हम गुजर रहे हैं और डेमोक्रेसी का जिस तरह से हालत ख़राब हो गई है वो उसकी रिफ्लेक्शन से दिख रहे हैं नाटक के अंत में। लेकिन नाटक के अंत आते आते इशारा राजीव जी ने भी कहा है कि जो पहले राजा, जो पहले दृश्य में जो राजा था वो बहुत बाद में बहुत डेमोक्रेटिक बन जाता है, पहले डेमोक्रेटिक नहीं दिख रहा था लेकिन दूसरे दृश्य में मृत्यु होने के बाद वो बहुत ही डेमोक्रेसी या जमहूरियत की बात करने लगता है। मुझे लगता है उसकी प्रक्रिया थोड़ी आनी चाहिए, वो प्रक्रिया थोड़ी शिथिल है और अंत में वो आपकी जो महिला पात्र है सीधे दर्शकों से रूबरू होकर बात करने लगती है, तो वो नाटक ज़्यादा
लगता है कि लेखक अपने पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे में जो यथार्थवादी दृश्य नहीं कर पाया, वो अंतिम में वो कहीं से कहीं सीधे एक भाषण का वो रूप ले लेता है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको पहले से ही प्रक्रिया में और उसको बहुत ही स्वाभाविक ढंग से अगर लाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अचानक अकस्मात सा होता है अंतिम दृश्य जो आपका डायलॉग है। धन्यवाद। ये तो ओपिनियन डिफरेंसेस है, और इस प्ले को जब लिखा तो साथ साथ रिहर्सल के प्रोसेस में भी था, तो वहाँ पे जिस तरह से जो बात आती गई करता गया, और मैंने अभी कहा ना कि जब किसी एक कम्युनिटी पे या किसी कौम पे जब एक जुल्म होता है तो वो अपने लिए उस तरह का हीरो तलाश करता है और उसको जायज़ और अच्छा समझता है जो मतलब जुल्म करता हो या कुछ भी हो, वहाँ पे वो भूल जाता है कि क्या ख़राबियाँ हैं जो मैंने कही इस बात को। तो इसीलिए शायद वो कैरेक्टर इस तरह कहता है, और उसके बाद फिर वो हर लिहाज से वो जो कह रहा है वो तो ठीक नहीं है। तो इसको आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। और इनके प्रोडक्शन के बारे में मैं कहूँ कि मैंने ऐसा कई प्रोग्राम देखा है और कई जगह पे कई लिटरेरी इसमें कि जब एक कहानीकार खुद अपनी कहानी को महफिल में सुनाता है तो बहुत ख़राब लगता है, अच्छा ही नहीं लगता है, वो लगता है पता नहीं क्या लिखा है। उसी तरह से जब एक नाटककार, सब नाटककार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ नाटककार जो वो अपने नाटक को किसी इसमें गैदरिंग में जब सुनाते हैं तो वो नाटक का इम्पैक्ट भी नहीं रहता है, लोगों को समझ में भी नहीं आता है। वजह यह है कि नाटक देखने की चीज़ है और दिखाने की चीज़ है, तो जब दिखा रहा है तो उसकी अपना इमेजिनेशन, अपनी सोच आएगी ही और दिखाएगा। और कहानी पढ़ने की चीज़ है, सुनने की चीज़ है या पढ़ने की चीज़ है। अब सुनाने वाला जब कहानी सुनाता है तो सुनाते वक्त उसके अंदर के जज्बात, उसके जो भाव हैं वो शब्दों के साथ जाने चाहिए, तभी सुना सकता है। चूँकि कहानीकार एक्टर नहीं होता इसलिए वो अच्छे से नहीं सुना पाता। अब पढ़ने की चीज़ है कहानी, तो पढ़ने वाला क्या होता है कि अब हर किसी के अपनी कैलिबर उस पे है कि उसकी ज़हनियत पे है कि वो कहानी को पढ़ते वक्त में दृश्य कैसा बना रहा है। जिस शख्स ने जैसा दृश्य बनाया उसने कहानी का फ़ैसला वैसा ही कर दिया कि ये कहानी अच्छी है या ये कहानी ख़राब है। इसलिए इस पेशकश को मैं ये नहीं कहूँगा कि यह तरीका गलत है, बल्कि मैं कहूँगा कि नाटक पाठ का यही तरीका होना ही चाहिए कि एक एक्टर किस तरह से नाटक को लेता है और किस तरह से समझता है, मुझे ये लगा। आपने कह ही दिया, आपने कह ही दिया वो बात। मेरे ख्याल से आपने जो सवाल मुझसे किया था उसका आपने जवाब दे दिया, क्योंकि नाट्य पाठ है तो मुझे भी ये लगता है कि अगर लोग यहाँ देखने आए हैं तो वो जो विजुअलाइजेशन है उसको बनाने के लिए, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमने बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं यूज़ की, हमने कुछ बाहर से नहीं मंगाया, यहाँ जो है उन लोगों ने टच भी नहीं करने दिया किसी चीज़ को, तो जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनका उपयोग तो हम करेंगे ही। जैसे मैंने अभी वहाँ जो सवाल आया था सर का, तो मैंने जवाब दिया कि सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें बहुत पैसा नहीं खर्च करना पड़ा नाटक बनाने में। तो एक थिएटर डायरेक्टर हमेशा यही सोचता है एक नाटक को करने से पहले कि इसका बजट क्या होगा, वो नहीं सोचना पड़ा हमें इस नाटक को करते वक्त। यहाँ जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी में हमने किया। और रही बात डायरेक्टर की इमेजिनेशन की, तो मुझे लगता है कि अगर किसी एक बंदे को ये जिम्मेदारी दी जाए कि ये इन्होंने लिखा है आप इसको निर्देशित कीजिए, तो उसको अपनी इमेजिनेशन डालनी ही पड़ेगी थोड़ी, तो तभी शायद उसका नाम वहाँ पर सही मायने में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है, मतलब अगर निर्देशक में मेरा नाम है तो मुझे थोड़ा मेरा इनपुट यहाँ होना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा नाम वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। कैसे दिखाई देगी?
एक सवाल और भी है जो आपने अभी तक इसके नाटकों के मंचन किए रूहे का, और आपने इसको अभी नाटक पाठक आपने जो मंचन किए वो मंचन और ये नाट्य पाठ या रंग पाठ, इसमें आपको जो दृश्यों की थोड़ी बहुत रचना हो सकी, जो प्रस्तुति हो सकी, उसमें क्या विशेष अंतर लगा? जैसे कि आपने अंत में कहा भी कि आखिरी दृश्य जो था उसको बहुत अच्छी तरीके से किया गया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके निर्माण में और इस रंग पाठ में आपको क्या लगा, और इस रंग पाठ के बारे में आपने प्रतिक्रिया दे ही दी है, बहुत अच्छा है, आगे भविष्य में ऐसे होता ना चाहिए। मैं साजिदा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि वास्तव में ये बहुत ही अद्भुत था और ऐसा होते रहना चाहिए। बस मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूँ। ये इनफैक्ट ये तो वैरी करता ही है कि जो मैं कर रहा हूँ वो यहाँ नहीं हुआ और जो यहाँ हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे दो चीज़ें तो बहुत ही अलग नज़र आई मुझे, दो सबटेक्स्ट अलग नज़र आया जहाँ पे ना छेड़ो सैयाँ बारी उम्र लड़कियाँ, तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से गाया, अलग धुन में, अलग मूड में और अलग ही इसका एक इम्पैक्ट दे रहा था। लेकिन हमारे इसमें जो है उस प्रोडक्शन में बहुत मौज मस्ती और उस तरह का सीन था, लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अपील कर रहा था मुझे ये। और आखिर का सीन जो है डिफरेंटली इन्होंने किया है, नो डाउट वो मेरे दिमाग में नहीं आया था जो इन्होंने किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो वो फ़र्क होता है और बहुत फ़र्क है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि 10 रिहर्सल और करेंगे तो पूरा प्रोडक्शन है आपका, ये हाथ में स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लॉकिंग। जी जी जी, अरे परमिशन किया जी, मुझे खुशी होगी, आप ज़रूर कीजिए जी। बहुत अच्छा, और आपके एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, वेल डिज़ाइंड एक्टर्स, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा जी। थोड़ा सा स्पीच पर और काम करना। जी सर, मुझे भी ऐसा लगा, मुझे थोड़ा वक्त थोड़ा मुझे कम लगा। उर्दू के जो अल्फाज हैं कहीं कहीं, जी सर बिल्कुल मानती हूँ ये बात, हाँ कहीं कहीं नुक्ते छूटते हैं और कहीं नुक्ते थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो मैंने कोशिश की थी। बट मेरे टीम में अधिकतर बच्चे बिहार से हैं तो उनको सा और शा का बहुत तगड़ा वाला प्रॉब्लम है, और जब मैं उनको नुक्ता लगाने के लिए बोलती हूँ तो हर रोज़ उनको नोट में बोलती हूँ, बच्चे गुम हैं, गुम नहीं है, पर उनके मुँह से गुम ही निकल जाता है। तो वो मेरी कोशिश अभी है और वो पॉलिश कर रही हूँ मैं, जो मैंने अभी अपनी बात में भी कहा कि एक्टरों के लिए स्पीच पे काम करने का बहुत अच्छा मौका ये रहा, और आगे भी मैं ऐसा करने वाली हूँ, ये एक्टरों के लिए स्पीच पे काम करने का अच्छा मौका बनेगा सर। बिल्कुल, थैंक यू। एक नाटककार के रूप में तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो उर्दू जबान के बावजूद वो हिंदुस्तानी थी, और मेरे ख्याल है एकाध लफ्ज़ कहीं ऐसा भी नहीं लगा कि जो बहुत वैसा जा रहा हो, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नियंत्रित था, और हम जो हिंदी के लोग हैं उनके लिए भी बिल्कुल आम फहम भाषा का था, तो ये बहुत ही कमाल की बात है। नहीं, इसमें उर्दू, मैं उर्दू वाला हूँ खुद, लेकिन मैं मुझे ये पता ही नहीं लगा कि कोई नुक्ते की कमी है या कुछ हुआ, मुझे ये इतनी नेचुरल उर्दू लगी, बिल्कुल जैसी होनी चाहिए, ना कि किताबी। असल में बहुत खुश हुआ है उर्दू, इस उर्दू से। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, शुक्रिया।